करने के लिए जैसे इंटीरियर डिजाइन और एक्सटीरियर डिजाइन है तो वो अपने इसमें कवर हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटीरियर तो पूरा ही होता है, इंटीरियर भी थोड़ा करते हैं, पूरा हम्म। नहीं करते। 5 जून से व्यायाम गुरुकुल की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है जो कि मॉर्निंग में 7 to 8:30 है, बहुत ही अच्छा टाइम है। आपकी व्यायाम गुरुकुल की जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रही है अपकमिंग 5th of June से। मॉर्निंग में आराम से बैच को ज्वाइन कर लिया, इवनिंग में प्रैक्टिस कर लिया। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और जॉब के साथ साथ अगर आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं इस 10 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दैट 4 मंथ्स। हम लोग इस 4 महीने में क्या सीखने वाले हैं ये हम इस 10 मंथ में सीखेंगे, सॉरी 10 मिनट्स में सुनेंगे समझेंगे। उसके बाद सारस मैं आपको दूंगा, आप यहाँ पर हैंड रेज करके ऑप्शन रहता है, एक एक करके सारे डाउट्स बिना किसी टेंशन के कि लोग क्या सोचेंगे, लोग गए भाड़ में, ठीक है? क्यों? क्योंकि लोग ही तुम्हारे करियर से बैरियर हो जाते हैं ना, ठीक है? तो लोगों का टेंशन नहीं लेना है, व्हाट एवर डाउट इन योर माइंड आपको पूछना है, ठीक है? बेझिझक कभी भी ये नहीं हेजिटेट करना है कि यार लोग क्या सोचेंगे, मुझे कम्युनिकेशन नहीं आती, क्या नहीं हुआ, सीख लेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इसका टेंशन हमें नहीं है। तो गैस 10 मिनट्स लिए स्टार्ट होता है, जिसमें बेसिकली गैस सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि हम ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, ठीक है? तो मुझे चाहिए गैस डेडिकेट लोग, ठीक है? और क्या बोलते हैं, डेडिकेट लोग कैसे चाहिए, जो पैशनेट हो कि मुझे सीखना है सर, चाहे जितना मेहनत करा लो, बस मुझे वो जो पैकेज का रिमार्क होता है वो पैकेज बेहतरीन वाला मिल जाए, ठीक है? मुझे पैकेज बेहतरीन वाला मिल जाए। तो उसके लिए गुरुकुल कॉन्सेप्ट जो अपना है वो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग, प्लीज किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर देना, ठीक है? तो इसमें क्या होता है गाइस, जो अपनी ट्रेनिंग होती है लगभग इसमें 1.5 घंटे की ट्रेनिंग अपनी लाइव होती है, जिसमें मैं आपके साथ रहता हूँ, मैं आपकी पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता हूँ। उसके बाद 1 घंटे का आपको रिकॉर्डिंग सेशन देता हूँ, क्योंकि ये सेशन एक्चुअली, ये कोर्स 6 महीने का है, मैं इसको श्रिंक करके 4 मंथ में लेके आया हूँ, कैसे, रिकॉर्डिंग के हेल्प से। तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग घर से देता हूँ करने के लिए, और लगभग 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होता है। इतना समय आपको देना पड़ेगा, जिसमें 1.5 घंटा नो डाउट एक्स्ट्रा में रहेगा कि उसी समय आना है, बाकी प्रैक्टिस और क्या बोलते हैं आपका वीडियो लेक्चर्स यू कैन वॉच एनी टाइम, जब भी आपको समय मिलता है, अपने घर पे रात को 12 बजे, साइट पे जा रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो, कहीं से भी वॉच कर लो, ठीक है? दूसरी स्पेशल चीज क्या होती है गाइस अपने ट्रेनिंग में, क्यों अपना ट्रेनिंग टच वुड की इतना लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को पसंद आता है, क्योंकि इसमें गाइस मैं डेली आपको टास्क देता हूँ और डेली आपके आपके टास्क को चेक करता हूँ। ये सबसे खतरनाक चीज है। आप बोलो सर क्यों? क्योंकि देखो, जब तक इंसान, ये चाहे आप हो चाहे मैं हूं, तब तक पढ़ाई नहीं करता, तब तक प्रिपरेशन नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। जैसे कि अगर आपको याद हो, आप अपने एग्जाम टाइम पर जितना पैशनेट होते हो पढ़ने को लेके, उतना नॉर्मल टाइम पे नहीं होते हो, ठीक है? एग्जाम टाइम पे क्या होता है, आपके माइंड में एक प्रेशर रहता है कि यार पढ़ना है। आपकी 6 महीने में जो 4 महीने की 5 महीने की प्रिपरेशन रहती है, वो 5 महीने की प्रिपरेशन आपकी एक तरफ, और लास्ट के 1 मंथ की प्रिपरेशन एक तरफ। रीजन, द फोकस इज योर एग्जामिनेशंस, मींस यू नीड टू शो समवेयर, ठीक है? कहाँ शो करना है आपको, अपने उस प्लेस पर शो करना है जहां पर आप इंटरव्यू में लिखने वाले हो या फिर अपने एग्जाम में लिखने वाले हो, ठीक है? सेम चीज अपने गुरुकुल में होता है गाइस। हियर द प्रेशर इज फॉर यू, इज यू नीड टू कंप्लीट योर टास्क विद इन द 24 आवर्स, ठीक है? उसी 24 आवर्स के अंदर आपको टास्क को कंप्लीट करना है, एंड देन यू नीड टू सबमिट द टास्क बाय मेल, ठीक है? एंड एवरी डे आई विल चेक योर मेल, आई विल जस्ट गाइड यू कि वेयर इज यू रॉन्ग, ठीक है? तो ये दूसरी सबसे अच्छी चीज होती है। तीसरी चीज क्या होती है गाइस, कि हम सभी लोग क्या बोलते हैं, जब तक इंटरव्यू नहीं रहता तब तक पूरी तरीके से फिट नहीं होना चाहते, मींस वी नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज अवर कम्युनिकेशन स्किल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंक्रीज अवर टेक्निकल नॉलेज। तो क्या होता है, कोई एग्जाम, कोई टेस्ट रहता है तो आप तुरंत क्या करते हो, तैयारी करते हो, कोई इंटरव्यू रहता है तुरंत पैशनेट हो जाते हो। यहाँ क्या करते हैं गाइस, एवरी मंडे, ठीक है, एवरी मंडे आपका क्या हो जाता है, एक फिक्स मॉक इंटरव्यू रहता है। अब उस मॉक इंटरव्यू में डेफिनेटली देखो, सबसे बड़ा डर पता है क्या होता है, क्या कहेंगे लोग, ये वाला तो डर रहता ही है। तो यू नीड टू ऑन योर कैमरा लाइक मी, एंड यू नीड टू फेस द इंटरव्यू। अब क्या होगा, जब एवरी मंडे आपसे मैं इंटरव्यू आपका लेता हूँ, और अगेन एंड अगेन आई आस्क द क्वेश्चन कि व्हाई शुड आई हायर यू, किसी से पूछा व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, किसी से पूछा व्हाट्स योर वीकनेस, किसी से पूछा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आईएएस कोड फॉर सिविल इंजीनियर्स, इस तरीके से जब ढेर सारे मॉक्स आप लोग अटेंड करते हो गाइस, तो आपके अंदर से वो जो फियर होता है ना, कि जैसे होता है ना कि एक फियर होता है, खत्म हो जाता है कि यार इंटरव्यू सर तो हर मंडे को लेते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन चीज होता है।
और चौथी चीज गाइस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर मैं बोलूं कि आपके सफलता में सबसे बड़ा हाथ मेरा है तो ये बहुत बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सफलता में जो हाथ होता है वो होता है कंसिस्टेंसी का। तो अपने गुरुकुल की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि अगर कोई कंसिस्टेंट होके 80% के ऊपर अटेंडेंस मेंटेन कर लिया, 80% के ऊपर अगर उसने वर्क कंप्लीट कर लिया ऑन टाइम, मैं कोई नहीं हूं, आप खुद इतने कैलिबर हो जाते हो कि यू कैन गेट जॉब वेरी इजली। क्यों भाई? जो कैलिबर जिसके पास आ चुका है उसको जॉब को तो कोई ना कोई रखने वाला है। हो सकता है आपकी जो अरमान है 40,000 के वो 35 तक रह जाए, 35,000 का अरमान है तो 30 तक रह जाए, बट इफ यू आर कैपेबल इनफ तो जॉब तो लगनी फिक्स है, ठीक है, उसका तो टेंशन नहीं रहता। ये गैस अपने गुरुकुल की चौथी चीज है। पांचवी चीज क्या होती है गैस? यहाँ पर आपको कैट टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। विद इन अ मिनट यू नीड टू कंप्लीट द कैट टेस्ट। देखो कभी भी क्या होता है ना, जब आपके पास टाइम बाउंडेशन होता है ना, तो आप बहुत ज्यादा फोकस होके काम करते हो। जैसे आपको पता है कि 1 आवर्स के अंदर 1 आवर 60 मिनट्स आपके पास है। जनरली मैं कैड वगैरह का 20 मिनट्स देता हूँ, तो 20 मिनट्स में कोई चीज करके दिखाना है तो आपका जो अटेंशन होता है एकदम फोकस रहता है। गैस कोई भी अगर आ रहा है तो आपके कोई क्वेश्चंस रह जा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। 10 मिनट्स मैंने आपसे मांगा है, उसके बाद सारा आपका है। तो गैस यहाँ पर अपने 15 डेज पर हम लोग एक कैट टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस कैट टेस्ट में यू हैव अ फिक्स टाइम, यू नीड टू कम्प्लीट योर टास्क विद इन द टाइम। उसके बाद जितना मिनट आप लेट करते हो तो विल डू फॉर द माइनस मार्किंग। ये क्यों करते हैं? क्योंकि गाइस हर एक बीम की कंपनी, जो भी ब्रांडेड कंपनियां होंगी, हर कंपनी में कैट टेस्ट कंपलसरी है, इसीलिए हर 15 दिन पर हम लोग एक कैट टेस्ट करते हैं। कोई भी ब्रांडेड कंपनी होगी, मींस ब्रांडेड इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एमएनसीज, तो वहां पर गाइस टेक्निकल राउंड होना फिक्स है, इसीलिए हर मंडे को हम लोग मॉक इंटरव्यू करते हैं। कोई भी एमएनसी होगी गाइस, वहां पर एचआर इंटरव्यू जरूर होगा, इसीलिए हर मंडे को हम लोग एचआर इंटरव्यू भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 राउंड्स होते हैं, और 3 राउंड्स होते हैं आपके आराम से क्लियर हो जाते हैं। एक राउंड कुछ कुछ कंपनियां और लेती हैं, इसलिए उसको मैं महीने में एक ही बार करता हूँ, दैट इज कॉल्ड रिटन टेस्ट, ठीक है। समटाइम्स 2 महीने में करता हूँ, अगर लगता है कि बैच अच्छी चल रही है, उनकी तैयारी है तो जरूरत नहीं होती है, तो रिटन टेस्ट भी मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो कुल मिला के अगर बात करेंगे, सर आपका सिलेबस क्या है, आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो देखो मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड करने वाला हूँ। मैं आपको एक सही रोड मैप देने वाला हूँ कि भाई ये पाथ है, अगर इस पर अच्छे से चल लिए, कंसिस्टेंसी चल लिए, सक्सेस इज योर्स, ठीक है। तो मैं गूगल मैप की तरह आपके तरफ काम कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव करिए, गूगल मैप से, अभी मैं कहीं से ट्रेवलिंग करके आ रहा हूँ, गूगल मैप लगाया, उसने सही सही रास्ता दिखाया, फटाफट फटाफट मैं आ गया, ठीक है। तो मैं गूगल मैप हूँ जो हेल्प करेगा कि भाई इधर से आप फास्टर रूट पकड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप जा नहीं सकते हो, किसी से पूछोगे कोई ऐसे बता देगा, कोई ऐसे बताए, घूमते टहलते जो ट्रेवलिंग मैंने 20 मिनट में की, शायद अगर पूछ पूछ के आता, और बड़े शहरों में तो कोई बताने को भी रेडी नहीं होता, तो हो सकता है उसको आने में मुझे 1 घंटे लग जाते। तो मैं 40 मिनट आपका बचा सकता हूँ, यानी जो सक्सेस मैं थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ उसमें आपको अगर अपने एंड पर करेंगे तो समय लगेगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको, जो गाइस हम लोग ऑटो कैड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है जब तक बेसिक नहीं स्ट्रांग है, जब तक आपका फाउंडेशन बिल्डिंग का सही नहीं है, बिल्डिंग अच्छी बन ही नहीं सकती। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ऑटो कैड से स्टार्ट करते हैं, देन अगेन वी गो फॉर द रैबिट आर्टिक्चर स्ट्रक्चर एमई पार्ट, देन गो फॉर द नेविस वर्क, देन गो फॉर द टेक्ला, एंड देन देर आर लॉट्स ऑफ बीम कॉन्सेप्ट लाइक एलओडीज, बीपी, कोवी, स्कैन टू बीम, कैट टू बीआईएम, एंड बेसिक सिविल इंजीनियरिंग लाइक डेंसिटी एंड मेनी अदर थिंग्स। ये सारी चीजें जो भी कंपनी को इस समय करंट में रिक्वायर्ड है गाइस, वो सारी चीजें अपने इस गुरुकुल के अंदर 100% सफिशियंट है, लेकिन मैं वादा 80% का करता हूँ कि आप कहीं पर भी जाओगे, इफ यू गो फॉर एनी इंटरव्यू, 80% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम माई नोट्स। ये मेरे कमिटमेंट है आज भी, और ये कमिटमेंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये यूट्यूब पर भी रहेंगे। 80% क्वेश्चंस कम फ्रॉम व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टीच। वैसे ये 100 हो जाता है, बट मैं कमिटमेंट ओवर नहीं करना चाहता हूँ आपके साथ, इसलिए 80%। और सेकेंड थिंग, अगर आपने 90% प्लस, ठीक है, 90% भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दी, तो मैं आपको बहुत बड़ा वादा कर रहा हूँ, 100% आपकी जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी, 100%। लेकिन ये 90% करके दिखाओ टफ है, क्योंकि डेली जब हम काम करते हैं ना, कहते हैं ना कि मैं क्लास में एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ साहिल है और भी कई लोग अपने ओल्ड स्टूडेंट भी हैं तो ये जानते हैं, तो मैं पूल पे बोलता हूँ कि गाइस मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ,
बट व्हाई नॉट आई एम विराट कोहली, मैं विराट कोहली क्यों नहीं हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ ये आंसर आप करें प्लीज, ठीक है, कमेंट करके करें। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं विराट कोहली जैसा नहीं हूँ, मैं रोहित शर्मा जैसा नहीं हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हूँ, वाई, कमेंट करके आप बताइए क्या रीजन हो सकता है, और उसी रीजन के लिए विल वर्क ऑन गुरुकुल कि वो चीज सही हो जाए। अगर आपको कुछ लगता है आंसर क्या, तो फटाफट कमेंट करिएगा। समवन आंसर्स द प्रैक्टिस, समवन आंसर्स द कंसिस्टेंसी, और लोग सभी लोग कमेंट करो यार, थोड़ी उंगली को चलाओ, थोड़े से ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब सॉरी एक्सरसाइज हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। बोथ, ओके ग्रेट, एंड एनीवन एल्स, और भी बहुत सी चीजें हो सकती है गाइस, गाइडेंस नो डाउट इज ऑल्सो, होप एंड प्रे एंड हार्ड वर्क, ठीक है, डेडिकेशन, ओके, पैशन, ठीक है, हो सकता है पैशन भी सबका हो, ठीक है, व्हाट यू वांट, ग्रेट, बिकॉज ओनली वन आंसर इज द फोकस इज ऑन ओनली यू एम गन, माइंड सेट, बहुत अच्छा आंसर ये भी है, मेंटरशिप, ठीक है गैस, अगर इसका निचोड़ निकाले तो एवरीवन इज करेक्ट, ठीक है, लगभग सभी लोग अपने जगह पे सही हैं, और लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा गाइस दैट इज कॉल्ड, क्योंकि पैशनेट तो मैं भी हूँ, इंटरेस्टेड तो मैं भी हूँ, हो सकता है अगर मैं थोड़े बहुत पैसे खर्च करूंगा तो अच्छे मेंटर्स मैं भी हायर कर सकता हूँ, दैट ऑल थिंग्स कैन बी हैपन, ठीक है। समस्या बस इतनी सी आती है गाइस कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है क्रिकेट को खेलने को लेके, ठीक है, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट आंसर, कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ डेली आप वर्क करोगे, मैं डेली आपको लाइव प्रोजेक्ट ही देने वाला हूँ मेरे खुद के, और जब आप डेली इस पर वर्क करोगे तो मैं कौन होता हूँ यार, मेहनत तो आपने किया है ना डेली वर्क कर करके, तो अगर आप डेली वर्क करते हैं तो मैं कुछ नहीं हूँ, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, और सारा क्रेडिट मैं आप ही को दूंगा, क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, बिलीव करो यूट्यूब पर बहुत ढेर सारे कंटेंट हैं, ठीक है, लेकिन उन कंटेंट से मेरा भी भला नहीं हो सकता, आपका भी भला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वहां पर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, जो मैं क्लास आपको पढ़ाने चल रहा हूँ इसी क्लास के बहुत ढेर सारे और भी बहुत जगहों पे आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे सीख सकते हो और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, कब तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, और अपने गुरुकुल की खास बात क्या है गाइस, यहाँ पर एवरी डे आपको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, एवरी डे प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, और यही सक्सेस का राज है और कुछ नहीं है, ठीक है, और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप पैशनेट रहते हो अपने काम को लेके तब, और आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट माई टीचिंग स्किल्स, ठीक है। चलिए अब समय आपको देता हूँ, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, हैंड रेज करना है आपको, एक साथ नहीं पूछना है, तो यहाँ पर देखो एक ऐसे करके पाम करके ऑप्शन होगा, यस यस, 3ds Max भी सिखाएंगे और स्केचअप भी सिखाएंगे, ठीक है, 3ds Max, स्केचअप, नेविस्वर, टिकला एंड ऑटोकैड, रेबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर MEP, ऑल द BIM कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो सारी चीजें जो अभी अभी इंटरव्यूअर्स को रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्लीज सभी लोग एक एक करके हैंड रेज करेंगे, सभी लोग हैंड रेज कर लीजिए, और आप सभी अपने अपने क्वेश्चंस बेधड़क पूछिएगा, बिना शर्माते हुए, क्या लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो लोगों को, ठीक है, यही चीज मैं अपने मॉक में भी आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, भैया सोचने दो, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नो नॉट प्राइमेरा प्रदीप, क्योंकि हम मैनेजमेंट में नहीं जाते, हम लोग बीम मॉडलर और बीम इंजीनियर की प्रिपरेशन करते हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजर के, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बीम में एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं मैनेजमेंट स्किल्स पे नहीं जाता हूँ, वी आर जस्ट फोकस ऑन द मॉडलिंग एंड बीम इंजीनियरिंग। नाउ अहमद अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज, आपने हैंड रेस्ट किया हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, इसमें काम कोई मॉडल बनाते बनाते मैं फंस गया या मैं इससे आगे काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऑफलाइन में क्या होता है कि एट द टाइम आपको जो है ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है, एट द टाइम मतलब जब आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तब तो, हाँ मैंने वही मैं बोल रहा हूँ कि वो ऑफलाइन का बात कर रहा हूँ, ये तो सर ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें मैं काम करते करते या आप किसी कोई प्रोजेक्ट दिए और उसमें जो मैं काम करते फंस गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप सर? बस यहाँ पर स्क्रीन शेयर करना होता है आपको, और स्क्रीन जैसे आप शेयर करते हो पूरी की पूरी स्क्रीन, क्योंकि सारा काम तो लैपटॉप पे ही करना है, कोई थ्योरी काम तो है नहीं हमारा, ठीक है, तुरंत आप स्क्रीन शेयर करते हैं, मैं आपकी स्क्रीन देखता हूँ एंड इमीडिएट आपका एक्शन हो जाता है, ठीक है सर। ऑफलाइन क्लास भी कराते हैं क्या आप? ब्रदर ऑफलाइन हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफलाइन में क्या होता है ना, हमारे पास ज्यादा तो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, आप में से ही कई लोग जो अभी मीटिंग कर रहे हैं, इसमें कई लोग दुबई से भी हैं, कई लोग सऊदी से भी हैं,
ठीक है, और कई लोग अलग अलग, अभी कोई लोग राजस्थान से है, कोई कहीं से है, तो अगर मैं इनको बुलाता हूँ पुणे जैसे शहरों में, ठीक है, तो दे नीड टू एक्सपेंस वेरी बिग अमाउंट, ठीक है, और उसमें से कई लोग जॉब में रहते हैं, मेरे पास मैक्सिमम लोग जॉब वाले होते हैं गाइस, ठीक है, अगर जॉब वाले आते हैं तो उनकी खुद की महीने की सैलरी जाती है, ठीक है, मान लीजिए उनकी सैलरी 20,000 ही पकड़ के चली गई, हो जाएगी, प्लस उसके बाद उनको कम से कम महीने का यहाँ पर पुणे में सर्वाइव करने के लिए 10,000 तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, 30,000, ठीक है, और ये 30,000 चार महीने का कितना हो गया, 1,20,000 रुपये हो गया, राइट। और सेकेंड थिंग क्या होता है अहमद, कि अब डेफिनेटली मैं भी कहीं ना कहीं पर एक रेंट पर बड़ा जगह लूंगा, पुणे जैसे शहर में जो पुणे वाले होंगे उनको पता होगा 2 लाख 3 लाख के नीचे कोई स्पेस नहीं खाली है, ठीक है, तो अब मैं भी कहीं ना कहीं आप ही से लूंगा, ठीक है, तो माई फीस विल बी अप्रॉक्स टू 70 to 80,000, अगर मैं 80,000 पकड़ लेता हूँ और 1,20,000 वहाँ से, तो 2 लाख रुपए तो आपने खर्च कर दिया, और ये 2 लाख रुपए उस बच्चे के लिए पॉसिबल ही नहीं है जो 15,000 की जॉब करता है, और मेरा एम वही बच्चा है, ठीक है, तो मैं सर चाहता हूँ इसमें जो साइट पर काम कर रहे हैं उनकी भी मैं हेल्प कर पाऊँ, और इसी टारगेट की वजह से मैंने आप लोगों को पता होगा फी बहुत लिमिटेड रखा हुआ है, रीजन कि वो अपने महीने का अगर थोड़ा सा पैसा निकाल लेगा तो सीख लेगा। अब बताओ एक्चुअल में है क्या सर कि मैं सपोज दैट मैं नाइट में काम कर रहा हूँ जो आपने मुझे दिया है, उसके बाद क्या हो कि आप तो सर हमेशा मेरे लिए अवेलेबल तो नहीं रहेंगे ना ऑनलाइन की? नहीं तो नाइट में तो इंस्टीट्यूट भी नहीं रहेगा। वही बात है जो आप काम दिए मेरे को सुबह में, मॉर्निंग में 7 to 8:30, यही है ना करेक्ट सर? करेक्ट करेक्ट। तो मैं उस काम को मैं अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करूंगा जो आपने मुझे काम दिया है, करेक्ट हो सकता है कि मैं 4 बजे करूं या शाम को करेक्ट 5 बजे करूं, तो उस टाइम मेरे को डाउट हो गया या मैं काम में फंस गया तो उस टाइम तो मेरे को हेल्प चाहिए। ब्रदर। उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम आपको हेल्प के लिए पूरी वीडियोस दे देते हैं, ठीक है, वीडियो अपने पास रहता है, ठीक है। सेकंड थिंग, वीडियो से भी सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर बहुत ढेर सारे बच्चे आपके जैसे ही प्रिपरेशन करने के लिए ही आए हुए हैं, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करते हैं आपकी हेल्प कर देते हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं रिविजन होता है, मैं डे वन से ही उनको सभी को ट्रेंड करता हूँ, आपको भी करूंगा कि भाई आपको जो आता है आप दूसरों को बता दो, दूसरे को जो आता है उससे आप सीख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इमीडिएट लोग जब थोड़े से, अभी कोई फैमिलियर नहीं हो सकता तो उसकी अलग समस्या है, बट जो अच्छे हैं जो थोड़े से क्लास में परफॉर्म करते हैं हर कोई उनको पसंद करता है, मैं भी हूँ और आपके बैचमेट भी पसंद करते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। एक्चुअल में मैं ऑनलाइन कभी क्लास किया नहीं हूँ सर। इसीलिए पूछ रहे, मुझे पता है। अभी कैसे होता है कि देखो ब्रदर, कोविड के पहले जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है दे आर नॉट मच फैमिलियर विद द ऑनलाइन सोर्सेस, राइट, बट जब आप ऑनलाइन करते हो, मैं जब यह ऑनलाइन कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कितना कन्वीनियंट हो चुका है चीज़ें, कि मुझे 1 घंटे जाने का मेरा बच रहा है। देखो इस समय मेरे लिए सबसे कीमती है मेरा समय, इससे कीमती बिलीव करो कुछ नहीं है, ठीक है, मेरा समय ही सब कुछ है, सब कुछ मैं दे सकता हूँ सिवाय समय के, समय को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो दोस्त अगर मैं 1 घंटा जाने का कहीं पर जा रहा हूँ, 1 घंटा आने का, और उसके बाद जाने आने के बीच में जो जर्नी हमने देखा है उसको सोचने के लिए बगा आधे घंटे दे दे रहा हूँ, तो 2.5 घंटे तो मेरे यहाँ पर स्पेंड हो गए, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, 9, अभी आपको पूरा का पूरा ट्रेनिंग भी करना है, तो मैं सोचता हूँ कि जो 2.5 घंटे आप इधर उधर लगा रहे हो, ये 2.5 घंटे आप प्रैक्टिस पे देख तो देखो, ठीक है, रिजल्ट क्विक निकलता है, ठीक है, प्लस आपकी जॉब अगर मान लीजिए दूसरे महीने में कहीं लग जाती है, अब आपकी अगर आप कहीं ऑफलाइन कर रहे हो, ठीक है, मेरे जगह पर मेरे ही इंस्टीट्यूट में कर रहे हो ऑफलाइन, आपकी जॉब लग जाती है, अब आप कैसे कंटिन्यू करोगे? बट मेरी बैच क्या होगी, सुबह 7 से 8:30 खत्म, पूरा दिन आपके लिए जॉब करने के लिए है, ठीक है, इसलिए ये बैच बच्चे भी पसंद करते हो, मैं भी पसंद करता हूँ, और मैं 7 बजे ऑफलाइन में जा नहीं सकता हूँ, क्यों, मुझे भी तो नहाना पड़ेगा, मुझे भी तो खाना पड़ेगा घर में, तब जाके मैं जाऊंगा ना, तो ये तो संभव नहीं कि मैं 7 बजे सुबह सुबह आंख मलते हुए पहुंच जाऊँ ऑफलाइन में, लेकिन बट ऑनलाइन में पॉसिबल है, मुंह धुला, ठीक है, टी शर्ट वही पहन के चला आया तुम्हारे पास क्लास ले लिया, ठीक है, तो ये ओके सब सर। चाहिए, ठीक है, चलेगा। नाउ विकास जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस विकास प्लीज आप पूछिए, एक एक गए सबके पास है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आराम से करेंगे। विकास कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? भाई कोविड खत्म हो गया, आपने अभी मास्क उतारा नहीं है, ठीक है, नाउ आई थिंक मे बी उनको अभी आवाज़ नहीं जा रही हो, तो चलिए हम लोग शुभम गिरी जी से बात करते हैं। यस गिरी साहब बताइए, शुभम गिरी, गिरी कुछ पूछना चाह रहे हो आप? टाइमिंग यू आर अवेलेबल टू क्लियर द डाउट, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, वक्त आए हुए हैं, वेरी गुड।
गिरी के अलावा और कौन पूछना चाह रहे हैं गाइस? राजीव सिंह जी पूछना चाह रहे हैं। यस राजीव बोलिए, आपका हैंड रेज हुआ है। राजीव सिंह, अगर किसी ने हैंड रेज किया तो गाइस रेडी भी रहा करो कि माइक ऑन कर लेना है, समय बचेगा ना अपना, ठीक है? ओके ऋतुक, आप कुछ कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा डाउट है, मेरा जब यस बीम कंप्लीट होगा हाँ तो मैं अब्रॉड के लिए प्लान है मेरा आगे जाके, तो मैं कर सकता हूँ क्या अब्रॉड बिल्कुल में? कर सकते हो। अभी हमारा एक स्टूडेंट है आदिल, वो आई थिंक दुबई गया हुआ है, जहाँ तक मेरे अगर मेरी टीम के लोग बताएं दुबई गया है, सॉरी दुबई गया है, तो गया हुआ है ऑलरेडी। और हमारे करेंट बैच में ऑलरेडी दुबई के भी कई काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, सऊदी के भी हैं, यूएस के भी काफ़ी, यूएस के नहीं जो यहाँ से मूव ऑन हुए हैं वो लोग ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सॉफ्टवेयर में सर सेम ही रहेगा ना मतलब फिर? सॉफ्टवेयर तो हर जगह ही ऑटोडेस्क, एक्चुअली हम लोग सॉफ्टवेयर किसका सीख रहे हैं? ऑटोडेस्क का सीख रहे हैं ना, तो ऑटोडेस्क तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, यस ठीक है, हर कंट्री में ऑटोडेस्क। इवन आप सर। अभी जापान में भी जाओगे तो भी वहां पर भी तो पूरा का पूरा बीम का काम रेविट पे ही हो रहा है, ठीक है? ओके सर, ओके थैंक यू। ओके ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं राहुल जी का। राहुल चौहान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस राहुल बोलिए। राहुल चौहान कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं बीम बीम कोर्स के लिए सर क्लास लेना सोच रहा था, मतलब कंफर्म है, लेकिन हाँ सर मेरा टाइम का सेटअप नहीं हो पा रहा क्यों, कहाँ जाते हो सुबह सुबह 7 बजे? सर। जॉब पे जाता हूँ सुबह 7:30-8 बजे से निकलता हूँ। नहीं तब मत करो, क्योंकि साढ़े तो सात आठ बजे तुम करोगे ना तो फिर तुम कब प्रैक्टिस कब आप करोगे और कब आते हो वापस? मैं हेलो, वापस शाम को आ जाता हूँ सर, 7 बजे तक आ जाता हूँ, सात सात बजे बजे तक आ जाता हूँ। 7 बजे तक आ जाते हो? बाकी ओके तब आप ये, सर मैं ऑफिस में फ्री ही रहता हूँ। अच्छा तो फिर ये बैच मत करिए आप, जुलाई में एक बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है? और उस बैच का टाइमिंग है इवनिंग में, नहीं अभी बात बोलो हुई थी, मैं बोलो 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 राहुल, राहुल बोलो। तो मैं ये सोच रहा था सर जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्लास है वो ले लूं मैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप रिकॉर्डिंग के लिए प्रिफरेबल हो, देखो रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग के लिए राहुल सच्चाई क्या होती है ना, हाँ वो मुझे पता है, बट रिकॉर्डिंग में क्या दिक्कत होती है ना राहुल, की किसी ने कुछ प्रैक्टिस किया, पहली बात तो कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस होती नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं देखता हूँ ना रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड में दिखाता है कि किसने कितना परसेंट वॉच किया, ठीक है? और मैं बिना वॉच किए सर्टिफिकेट देता नहीं हूँ, ठीक है? तो अब कोई वॉच जो कंसिस्टेंसी से होता है ना वो होता नहीं है। दूसरी चीज, जब मैं प्रोजेक्ट्स दिया आपको, अब प्रोजेक्ट आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो मैं तो देख नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो उस सेंस में मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको संभव हो तो लाइव ही करो, और संभव नहीं है बहुत ज्यादा व्यस्तता है तब रिकॉर्डिंग ले जाओ, अदरवाइज लाइव इज फॉर बेटर, ठीक है? क्योंकि सर एक्चुअली में तो मैं हूँ डिजाइन की कंपनी में ही हूँ, लेकिन सप्लाई चेन में हूँ। समझ गया, पाइप सप्लाई में हो? पहले साइट पे था। हाँ, तो यही करना पड़ेगा। तो मैं तो देखो सजेस्ट करूंगा वो अभी कि फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा राहुल कि आप अगर लाइव के लिए जाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, और नो डाउट अगर बहुत ज्यादा व्यस्तता है तो फिर आप आज मैं किसी के लिए बताऊं, मतलब हंसी आएगी आप लोगों को भी, ठीक है? मैं नाम नहीं लूंगा, पता नहीं वो इस ग्रुप में तो नहीं है, किसी ने मुझे मैसेज कॉल किया और कॉल करके बोला सर मैंने क्या बोलते हैं 8 लेक्चर वॉच कर लिया है, बट समझ में नहीं आता कि इसको प्रैक्टिस कैसे करते, रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है राहुल? तो अब कौन था, नाम नहीं बोलूंगा, कौन था या थी सोच लो, तो उसने बोला मैंने 8 लेक्चर वॉच कर लिया है सर, इसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ता है क्या? मैं सोच पड़ गया कि वॉच कैसे किया फिर, अगर 8 लेक्चर वॉच कर लिया तो मैंने बोला यस प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उसको ये नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ऐसे लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि जिसको पता नहीं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि सर सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैं वहां पे हाँ बोलो। एप्लीकेशन पे सर ऑटो कैड के वीडियो पड़े हैं, ऐसे अनलॉक पड़े हैं वहां पे, हाँ तो मैं वॉच कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल सा नहीं लगा, तो मैं फोन करके जो नंबर है आपका यूनिक हाँ एकेडमी का, तो मैं डिस्कस किया सर से। इसीलिए बोला मैंने कि अगर रिकॉर्डिंग के जगह पर तो लाइव उसने सर करोगे रिकॉर्डिंग राहुल, में बात बन नहीं हुई। हाँ वही नहीं हूँ बोला अभी। बोलते, देखो जब हम कोई काम करते हैं तो डाउट तो आना चाहिए ना, ठीक है?
वो उनके लिए बेटर रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी सीख रखा है, अगर उनको रिवीजन करना हो तो फिर रिकॉर्डिंग अच्छा होता है, ठीक है। अदरवाइज मेरा प्रिफरेंस हमेशा रहेगा कि लाइव करवाओ, ठीक है, चलेगा। और एक क्वेश्चन ले लेता जो अभी सर जो अभी अभी बैच शुरू हुई है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं बोलो। 7 बजे 7 बजे की है मॉर्निंग में, और ये सबसे बेस्ट बैच होती है, क्यों? क्योंकि पहली बैच होती है, पूरा फ्रेश बैच होती है। तो इस बैच का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सुबह सुबह फ्रेश माइंड से आपके अंदर ग्रास्पिंग अच्छी हो जाती है। बट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखो, अगर आपको जमता है उस टाइम पे तो करो, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बैच होती है सुबह सुबह, ठीक है। कोई नहीं सर, मैं एक बार अपने मैनेजर से डिस्कस कर हाँ लेता हूँ, अगर 2 घंटे फ्रॉम वर्क दे दे, होम पे फ्रॉम बहुत अच्छा है, होम दे दे तो। हाँ पूछ लो, अगर होता है तो कर लो, ठीक है। मोहम्मद सजुद्दीन कुछ पूछना चाह रहे हैं? सजुद्दीन बोलिए ना। सर हाँ जी बोलो। सर हफ्ते में कितना दिन क्लास होगा, मतलब संडे और मंडे टू सैटरडे को फ्राइडे, फ्री रहता मंडे टू फ्राइडे पूरा, हूँ। मंडे टू अच्छा फ्राइडे। सर, सर मतलब कितना बैच रहेगा, थोड़ा डिटेल्स में बोलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है, एक्चुअली आप सर लेट आए हुए हैं, मैंने सब बताया हुआ है ऑलरेडी, हाँ सर, ठीक है ठीक है। आप सर, लेट मैं आए हैं, मैं लास्ट में फिर से बताऊँ। रिपीट कर दूंगा या फिर रिकॉर्डिंग में आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आप ग्रुप अच्छा में तो ठीक है है ना, सर, ग्रुप में तो है ना, हाँ सर ग्रुप में हूँ सर, थैंक ठीक है ओके। अंकित अगर आप हैं यहाँ पे, या फिर रिया अगर आप हैं, या फिर आस्था आप हैं, तो प्लीज एक बार ग्रुप का मैसेज, ग्रुप में चैट बॉक्स में आप ग्रुप का लिंक दे दीजिएगा, जिससे कि अगर कोई नहीं होगा ग्रुप में तो ग्रुप में आके, क्योंकि मैं वीडियो वहीं शेयर कर दूंगा गाइस, ठीक है। ओके अदनान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अदनान बोलिए। अदनान सौमेदी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पहले अदनान का ले लेते हैं, ठीक भाई। चलो अदनान का भी आवाज नहीं आ रही, तो चलिए सौम्यदीप का क्वेश्चन ले लेते हैं। सौम्यदीप बोलो बेटा। सौम्यदीप हेलो, ठीक है मैं भी हेलो इनको। सर। हाँ जी सौम्यदीप बोलिए, हेलो सर। बोलो बोलो बेटा। हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ हाँ सर। मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा हुआ, 7 से 8:30 बजे, तो वो मैं कर लूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ क्लास सर मेरा छूट जाएगा, क्योंकि साइट में जॉब करता हूँ, घर से मेरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तो करेक्ट, इसके लिए उसकी भी मैं वो रिकॉर्डिंग मैं दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग देख के मैं कर लूंगा उसमें। हाँ, उसमें रिकॉर्डिंग देख के मैं कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लेसमेंट के बारे में अगर थोड़ा बोलेंगे, एक्चुअली मेरा पूरा साइट के ऊपर ही एक्सपीरियंस है, तो ये अगर मैं बीम में आके जाऊंगा, मैंने एक बार आपने पहले बोला किसी को, पूरा मैं सब पूरा नहीं सुना, और एक बार मेरे लिए एक बार रिपीट कर देंगे तो बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल अगर बिल्कुल, मैंने आउट ऑफ, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल अगर जॉब मिलता है उसका, तो पैकेज स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कम होगा ना, तो उसी हिसाब से रहना खाना ये थोड़ा अगर एक साथ में हो जाता, कोई भी आपका स्टूडेंट अगर रहता तो वो स्टार्टिंग में करने, स्टार्ट करने के लिए अच्छा होता, तो उसके बारे में और एक बार बोल देते ठीक तो है अच्छा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं श्रमदेव। देखो दोस्त क्या होता है कि प्लेसमेंट जो होता है ना, पहली बात तो बीम का जो पैकेज है, मैं अगर हर प्रोफाइल से कंपेयर करूं, इस समय पर सबसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अच्छा मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी टीच करता हूं, पता ही है स्ट्रक्चर की बैच चली रही है ना। अभी स्ट्रक्चर में जो पैकेज मिलता है 2.4, 2.8, किसी का हद है कि 3 लाख, 3.1 है ना। और बीम में जो स्टार्ट पैकेज होता है इधर, वही 3 लाख से स्टार्ट होता है, 3.2, 3.4, 3.6, 4.2, 4.8, इवन उसके ऊपर भी जिनका प्रैक्टिस अच्छा है, जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, वो उसके ऊपर भी पाते हैं। अब पाने वाले लोग 8 लाख 9 लाख भी पाते हैं, बट वो मैं बोलूं कि सभी पाएंगे जरूरी नहीं है, देखो है कि नहीं। जो प्रैक्टिस बहुत ओवर करता है वो 8 9 के आसपास जाता है, मैं सबके लिए नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो बट एक एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 to 5 लाख का पैकेज तो मिल ही जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंट होने की जरूरत है बस। इंटेलिजेंट कैसे? सॉफ्टवेयर पे एक अच्छी पकड़ और उसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन पर बढ़िया नॉलेज, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आप किस जगह पर हैं, मतलब कि लोकेशन क्या है जॉब का आपका, ठीक है। अगर जॉब का लोकेशन आपका बड़े शहरों में है, तो जैसे पुणे में है, बैंगलोर में है, ठीक, मुंबई में है, दिल्ली में है, तो पैकेज देखो ज़्यादा रहता है, ठीक
ठीक है, और अगर आप छोटे शहरों में तो नो डाउट आपको पैकेज कम मिलेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जैसे कि तुम्हारा पिनेकल है, ऐसी कंपनी में हो गया तो अच्छा मिलेगा, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट है नेपाल का है, कलाम, वो अभी पिनेकल में है, वो अच्छी सैलरी ले रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे है कि पिनेकल के लिए इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है, पता ही होगा, 5 राउंड उसमें इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। मुझे पता है क्या क्या राउंड होते हैं, क्योंकि मेरे काफी बच्चे पिनेकल में है, तो हम वो आपको क्लास में तो गाइड करने ही करने वाले हैं, बट नो डाउट उसमें आपकी भी बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 3 to 5 के बीच में आपको लग सकता है, बाकी आपके कैलिबर के ऊपर है दोस्त, अच्छा सर उधर। हाँ, और क्या क्या सर इसमें क्या बीमे स्ट्रक्चर पार्ट के लिए भी सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है या रेबिट नेविश? देखो मेन सॉफ्टवेयर जो है जिस पर मार्केट चल रहा है, ठीक है, करंट में वो चल रहा है रेबिट के तीनों डिसिप्लिन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी, नेविस और टेक्ला, टेक्ला, ठीक है। इन तीनों पर जिसकी पकड़ अच्छी है वो जॉब तो ले ही लेगा, ठीक है। क्योंकि आप बीम मॉड्यूलर बनोगे या फिर बीम इंजीनियर बनोगे, क्योंकि फ्रेशर्स से एंट्री जब होती है तो बीम मॉड्यूलर या फिर बीम इंजीनियर, ठीक है। तो इनके लिए ये तीन सॉफ्टवेयर सफिशियंट है। ऑटोकैड सिखाने का सेंस क्या रहता है, थोड़ा सा बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा सा माउस पर अच्छी पकड़ बन जाए, ठीक है, तभी जाके ये सॉफ्टवेयर को आप इजिली सीख पाओगे ना, इसलिए मैं ऑटोकैड को सिखाता हूँ, ठीक है। और रही बात 3ds Max और स्केचअप, वो हमेशा एक अल्टरनेटिव के तरह रहते हैं, कुछ कुछ कंपनियां मांग लेती हैं, तो ऐसा ना हो कि इनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा सीख के रखें। बट मेन फोकस रेबिट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी, नेविस और टेक्ला, ये तीन सॉफ्टवेयर मतलब अच्छा कर लिया तो जॉब तो बी में पक्की है, अच्छा ठीक है। अच्छा ओके ओके थैंक ठीक है यू गाइस, बाकी मैं जॉब्स गाइड पर आप लोगों को वीडियो बना के देखता ही रहता हूँ, आप लोग देखते होंगे सारी वीडियो में यही तीन चीजें पूछते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी की जो रिक्वायरमेंट सर होती है। हेलो हाँ जी, चिन्मय कुछ पूछना चाह रहे हैं या चिन्मय? चलिए आप तक चलते हेलो हैं। सर, हाँ जी चिन्मय, सर क्या है ना सर, हाँ मैं सर 3 साल से सर स्ट्रक्चर में सर जॉब कर रहा हूँ। करेक्ट, अभी सर मेरा पैकेज सर 4.5 का है सर। टीसी में सर जाना चाहता हूँ सर, मैं तो मतलब एक बार गया, मतलब हुआ नहीं टीसी में। अच्छा, टीसी में हमारे एक बच्चे को भी हुआ है, अभी रिसेंट में ओपनिंग निकली तो थी वहां पर। मैंने गया था पिछले महीने इंटरव्यू दिया था लेकिन हुआ नहीं हाँ हाँ सर। सर सर क्या करे, आपका सर जो गुरुकुल बैच है सर उसका सर फी क्या है, और सर एक सर स्ट्रक्चर में सर फी कितना है, और सर मेरे को सर क्या करना चाहिए सर, इस पर सर गाइड कीजिए प्लीज। देखो स्ट्रक्चर की बैच अभी तो फुल है, बैच चलेगी जुलाई में, बट अगर तुम पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं। बीम के और स्ट्रक्चर की दोनों की 4 मंथ की ही रहती है, और इसका फी भी बहुत नॉमिनल रहता है, 20,000 इसका फी रहता है। कंप्लीट ऑटोकैड, स्टेट प्रो, ई टैब्स, आरसीडीसी, सेफ, मैनुअल, एक्सल, और उसके बाद ऑल द सिविल इंजीनियरिंग IS कोर्स, उसके बाद आपका रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद फ्रीलांसिंग से लेके सारे कॉन्सेप्ट, डायनेमिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, और भी बहुत बड़ा सा सिलेबस है स्ट्रक्चर का भी। ये मैंने जस्ट समरी दिया आपको, ये सारी चीजें इंक्लूड हैं आपकी जो चलेगी बैच, जुलाई के लास्ट में चलेगी, तो उस बैच में आप इसको सीख सकते हैं, और बस फी आपको वही 20,000। और कुछ पूछना चाह रहे हो? BIM में 4 मंथ रहता है, जिस 4 मंथ में आपका ऑटोकैड से स्टार्ट होता है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, नेविस और टेक्ला, ये मेन है। इसके अलावा स्केचअप और 3ds Max, अभी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया माइक्रो स्टेशन और सिविल 3D भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी में पूछ रहे हैं। ओके सर, और सर और एक बात सर, आप अगर थोड़ा मतलब इंटरव्यू की कुछ मतलब गाइडेंस कर देते ग्रुप में तो सर सभी के साथ अच्छा होता सर। ठीक है, चलेगा, मैं आपको नोट्स दे दूं, चलेगा? ओके सर, ओके ठीक है, मैं थैंक यू, नोट शेयर कर दूंगा, वो नोट सफिशियंट होगा स्ट्रक्चर के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर, चलेगा। चलो भाई, सर, सर और एक बात पूछना था सर। हेलो सर, एक मिनट प्लीज, अपने से मत ऑन करो, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आएगा बोल कौन रहा है, ठीक है, मैं खुद ही सर जस्ट मैं थोड़ा सा गौतम बोल रहा हूँ सर। हाँ आप बोल, खत्म कर लीजिए सजुद्दीन। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, मान लीजिए सर मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है साइट में, 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी मैं साइट छोड़ के बीम में मतलब डिजाइन जो भी है सर, ऑटोकैड, रेविट, बीम, इसमें से आना चाहता हूँ, तो सर मतलब कैसे आऊँ? मतलब इंटर्नशिप करने के बाद एज ए फ्रेशर्स तो काउंट होगा ना, मेरे को तो फ्रेशर्स ही काउंट करेंगे। नहीं देखो क्या होता है, जब आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस नो डाउट अलग होगा, ठीक है, वो शायद पूरा यूटिलाइज ना हो, अच्छा बट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूरा काउंट होगा, ठीक है। आपने प्रोफेशनली कहीं पर काम किया अच्छा हुआ है ना, तो उस चीज को कंपनी कंसीडर करती है, वर्किंग एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं करती है, ठीक
ठीक है, तो उस वर्किंग एक्सपीरियंस को कंसिडर करने के लिए आप थोड़ा सा ट्विस्ट बदलेंगे। थोड़े से मैं इंटरव्यू की प्रैक्टिस जब कराता हूँ तो बताता हूँ, जैसे कि आप एक छोटा सा ट्विस्ट ये कर सकते हैं कि अगर उन्होंने पूछा कि व्हाई लाइक कंपनी में से क्या बेसिकली क्वेश्चन आने वाला है, बेसिकली क्वेश्चन आने वाला है कि यू आर अ साइट इंजीनियर राइट नाउ, व्हाई वांट टू शिफ्ट योरसेल्फ और शिफ्ट योर कैरियर इन बीआईएम। ठीक है, नाउ यू कैन गिव द आंसर टू देम कि लाइक आई वाज देयर ऑन द साइट फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हाउ कैन वी डू द थिंग्स प्रैक्टिकली, नाउ आई रियलाइज कि आई नीड टू एक्सप्लोर मोर इन द सिविल इंजीनियरिंग्स, देन आई जस्ट स्विच माई सेल्फ इन द बीम इंडस्ट्रीज बिकॉज द सेम थिंग आई नीड टू डू हियर ऑल्सो ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म विच एज आई ऑलरेडी डन ऑन द साइट। ठीक है, इस तरीके से जब आप बोलते हो तो उनको लगता है अच्छा हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। जो भाई बीम है क्या, बीम का मतलब है जो सारी चीजें ऑन साइट होने वाली है। मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ गए और 100 करोड़ में मैं एक टाउनशिप बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब उस टाउनशिप में क्या क्या चीजें होंगी, उस टाउनशिप में रोड होगा, उस टाउनशिप में गार्डन होगा, उस टाउनशिप में स्कूल होगा, अच्छा उसमें बिल्डिंग्स होंगे, टावर्स होंगे, कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स होंगे, यही सब होगा ना टाउनशिप में। ठीक है, जी ये सर, हाँ सारी चीजें जो उसमें होने वाली हैं वो सारी चीजों को मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लूं, दैट इज कॉल्ड बीआईएम। ठीक है, जी सर, अब उसके लिए क्यों आप सर बोलो कि सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्यों करना है, अभी भी मैं घूम के आ रहा हूँ। मैं जब मतलब बता कैसे कई लोग को बताया, मैंने ट्रेवलिंग करके आ रहा था तो मैं पीछे एक बिल्डिंग बन रही है सापोजी पालन जी की, मैं उधर से मैं का थोड़ा देख के आता हूँ कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रहता है अपन तो सिविल इंजीनियर, तो मैं घूम के आया। तो सर, जब घूम के आया तो क्या है कि उन जो चीज़ रेडी कर रहे हैं ऑन साइट, ये चीज़ उनका बी मॉडल पहले बन चुका है। और अच्छी बात यह है कि मेरा एक स्टूडेंट है उसकी कंपनी में बन रहा है। ठीक है, तो अब बी मॉडल बनाने का फायदा क्या है, क्योंकि उसका पोजिशन मिल रहा है 4 साल बाद। ठीक है, अब 4 साल पहले कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा किसी के उस पे? तुम बोलो कि सर मैं ऐसा ऐसा प्लान कर रहा हूँ और 4 साल बाद ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, आपको अभी 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना, मैं क्यों करूँ? लेकिन तुमने एक अच्छा सा मॉडल बनाया, प्रॉपर मुझे वहां तक तो पहुंचा दिया, स्टेट ऑफ माइंड मेरा बना दिया कि ऐसी बिल्डिंग रहेगी आपकी, यहाँ पर आपके स्विच रहेंगे, यहाँ पर आपका सीलिंग रहेगा, यहाँ पर आपका गार्डन एरिया रहेगी, आपकी बालकनी रहेगी, आपने प्रॉपर एक मॉडल रिप्रेजेंट कर दिया, राइट है? तो जब मॉडल को रिप्रेजेंट कर दिया तो मुझे आ गया कॉन्फिडेंस। और वहीं पर आपने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा उन्होंने दिखा दिया कि भैया ये 4 साल बाद इसका प्राइस एक्स अमाउंट होने वाला है, अभी आपका अमाउंट इतना ही है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए अभी है, पोजिशन मिलते समय 1.5 करोड़ हो जाएगा, तो आपको लगा 4 साल में 50 लाख का फायदा, प्लस प्रैक्टिकली दिख रहा है कि बनने वाला क्या है, आप इन्वेस्ट करोगे अगर पैसे होंगे, राइट? ठीक है, जी सर, तो बीम इज नथिंग। अगर अच्छा कोई कंफ्यूज है कि बीम क्या होता है गाइस, बीम यही होता है कि जो मैं टाउनशिप 100 करोड़ रुपए में बनाने वाला हूँ, मेरे पास है नहीं इतने पैसे, 100 करोड़ रुपए में जो टाउनशिप में बनाने वाला हूँ, उस टाउनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आइडेंटिफाइड कर लें। कल को मान लो एलिवेशन मैंने बनाया, आप आए, आप बोले सर मैं इसमें टाउनशिप में खरीदूंगा नहीं प्रोडक्ट, मेरा तो हालत खराब, 100 करोड़ रुपये लगा के बैठा हूँ, लोन लिया तो फिर तो समझो जेल भी जाने की नौबत आ सकती है अगर मैं विजय माल्या नहीं हूँ तो आप क्या होगा कि आपने तो क्यों, क्योंकि आपको एलिवेशन अच्छा नहीं लगा। मैंने क्या किया, मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले एलिवेशन बना लिया, मैंने कहा देखो बाद में 3-5 नहीं, अभी देखो ये ऐसे बनेगा। आपने बोला पसंद है ना, देखो जैसा आपने बोला था पसंद है ना, अब देखिए वैसा ही बनाया मैंने, खत्म बात। आपने कहा सर गार्डन बहुत छोटा है, मैं बोलूंगा देखो भाई ये डेटा पोजिशन पर आपको गार्डन मिला है, इसके पहले भी मैंने आपको गार्डन दिखाया था, यही गार्डन दिखाया था, यही एरिया था, यही प्लान था। आप बोलोगे हाँ, मतलब जो चीजें ऑन साइट 4 साल बाद मिलेंगी उसको मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी दिखा दूँ, जिससे आप उन चीजों को प्रैक्टिकली बुक कर लो। ठीक है कि हाँ भाई अभी ठीक वही चीज मिलने वाला है, होप सो समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा यही भीम है। अब इसके अंदर डिटेलिंग्स होती है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसे डिटेलिंग्स होती है, एक तो हो गया कि मैं दिखा दूं कि भाई टाउनशिप बनाऊंगा, इसमें 2 BHK कितने लाख का, ये ऐसे ऐसे मैंने रफली बता दिया। कुछ लोग क्या किए, जो मुझे जानते होंगे 2-4 लोग बुक कर लेंगे। ठीक है, एक होता है मैंने प्रॉपर उसके अंदर डिटेलिंग किया क्या कि ये रोड होगी, ये लाइटिंग होगी, ये लाइटिंग के पोल्स होंगे और ये एंट्री गेट होगा ऐसे करके। अब ये जो 4 लोग आने वाले थे फ्लैट खरीदने के लिए, अब ये पक्का 40 लोग आएंगे। फिर मैंने थोड़ा और प्रैक्टिकली मैं गई अंदर उसके चला गया, मैंने बोला कि देखिए भाई आपके रूम के जो कलर्स रहेंगे वो ऐसे ऐसे रहेंगे, बालकनी की फेसिंग ये रहेगी, आपका जो क्या बोलते हैं किचन एरिया ये रहेगा, गार्डन एरिया वगैरह वगैरह करके हमने दिखा दिया। अब ये 40 लोगों की जगह बुकिंग हो सकता है 60-70 लोगों तक पहुंच जाए। इसके बाद मैंने आपको दिखा दिया कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके बच्चे यहाँ पर ग्राउंड पर बच्चे खेल सकते हैं,
यहाँ पर आपके सोसाइटी ऑफिस होगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, कुछ लोग को एमिनिटी की वजह से पसंद आएगा, हो सकता है बुकिंग 100 लोग कर ले। देख लो क्या हो रहा है, जहाँ 4 लोग करने वाले थे हम लोग 100 लोग पहुंच गए। बीम का मतलब यही फायदा होता है गाइस, ठीक है। बिल्कुल रोहित, जस्ट 2 मिनट, इसके बाद आप बोल लीजिए प्लीज। तो ये जितनी डिटेलिंग्स हम करते जाएंगे दैट इज कॉल्ड बीम, ठीक है। अब रोहित प्लीज आप बोल दीजिए। हेलो सर, यस रोहित, गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। सर मुझे एक डाउट था, हाँ बीएम फील्ड में प्रोग्रेस कैसा होगा 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद, कैसे क्या एज अ इसमें सैलरी वाइज एज अ पोस्ट वाइज? देखो, बीम का सबसे अच्छी चीज क्या है ना रोहित, की सबसे ज्यादा पहली बात तो ग्रोथ क्यों है इसके अंदर, उसका मेन रीजन क्या है कि ऐसी जो भी इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री बाहर के प्रोजेक्ट इंडिया में कर रही है, उनका ग्रोथ फिक्स है। उसका रीजन पता है, वहां से उनको एक गुड अमाउंट ऑफ अमाउंट पैसे आ रहे हैं, समझ रहे हो। और जब उनके अच्छे पैसे आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आईटी में लोगों को ज्यादा पैकेज मिल रहा है, राइट है। यस सर, तो अब क्यों मिल रहे हैं, कभी आपने सुना हो कि इंडिया की कोई कंपनी आईटी में ज्यादा पैकेज दे रही हो? नहीं देगी। कौन देता है? एमडॉक्स। कौन देता है? कॉग्निजेंट। कौन देता है? गूगल। बाहर की कंपनियां देती है ना। यस सर, जब बाहर की कंपनियों का काम जब आप करते हो, तो देखो कैसे सैलरी कैसे डिसाइड होती है गाइस। सैलरी डिसाइड होती है कंपनी के नेटवर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं एक कंपनी में काम करता था बहुत पहले, नाम नहीं लूंगा, वहां पर मेरी सैलरी 25,000 थी, ठीक है। और ये 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरे सामने एक कंपनी थी, बड़ी फेमस कंपनी, उसका नाम है किंडर जॉय। शायद आपने चॉकलेट खाया हो या फिर आपके घर के बच्चे खाए होंगे। तो यस सर, वो किंडर जॉय के जो ऑफिस बॉय था, उसकी सैलरी 24,000 थी। मैं अपने कंपनी में इंजीनियर था, मेरी सैलरी कितनी थी? 25,000। वो एक ऑफिस बॉय था जो कि जिसका काम आपको पता है, उसकी सैलरी 25,000 थी। इसका रीजन, क्योंकि किंडर जॉय उसके यहाँ पर जर्मनी से आके लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि उनका क्या बोलते हैं, नेट रिवेन्यू क्या है। उसके अकॉर्डिंग उनकी जो सैलरीज होती है वो हमेशा हाई क्लास होती है। तो जो भी कंपनी बाहर से इंडिया में आके काम करेगी, या फिर जैसे मैं यहाँ से यूएस के प्रोजेक्ट लूंगा, तो मुझे देखो $20 पर आवर्स तो मिलेंगे मिलेंगे। और मैं आपको $5 भी दूंगा तो आप बड़े खुशी खुशी काम करोगे करोगे, ठीक है। $15 फिर भी मेरा बच रहा है। तो जो भी कंपनी बाहर से इंडिया में काम करेंगी, बीम की मैक्सिमम कंपनियां यही कर रही हैं, इसलिए पैकेज ज्यादा मिल रहा है। और हमेशा बीम में करियर बनाओ या ना बनाओ गाइस, किसी भी फील्ड में करियर वहां बनाओ, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, जिसमें लंबा करियर जा सके। लंबा मतलब, ठीक है, मैं किसी प्रोफाइल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आप एज्यूम कर लीजिए कि आप बिलिंग इंजीनियर है। नाउ नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट क्या करूं मैं, ठीक है, प्रोग्रेस रुक जाएगा। एज्यूम करिए कि आप बीम मॉड्यूलर है, ठीक है। अब बीम मॉड्यूलर के बाद क्या होंगे, आप बीम स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर होंगे, ठीक है। उसके बाद बीम लीड हो सकते हैं, बीम स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, बीम कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, बीम मैनेजर हो सकते हैं, ठीक है, बीम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। आपकी प्रोफाइल्स धीरे 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 बढ़ती चली आ रही है, बाद में और भी एपीआई डेवलपर होते हैं, और भी अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लंबा करियर जा रहा है यहीं पर। और दूसरे करियर देख लीजिए, जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का करियर देख लीजिए, क्यों ब्राइट में है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होगा पहले आरसीसी की डिजाइन करेगा बहुत लंबा तक, उसके बाद वो पीईवी की डिजाइन कर सकता है, स्टील स्ट्रक्चर्स की। लंबा कैरियर है क्योंकि पीवी में अलग अलग, आप पीवी के अंदर ही एंट्री कर जाओ, कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होंगे, वेयर हाउस होगा, एयरक्राफ्ट हैंगर्स होंगे, मेट्रो के सेट्स होंगे, स्टेडियम्स होंगे, समझ रहे हो रोहित, आपका क्वेश्चन था ना ये, समझ। तो जो कैरियर लंबा जा सके सर, उसमें ग्रोथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो बीम मेरे अकॉर्डिंग इसमें कैरियर बहुत ज्यादा है। अभी तो मैं बिल्डिंग का पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय बाद मुझे ब्रिज में आना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज की कंपनियां भी बीम मॉडल को बनाने लगी हैं, ठीक है। मेट्रो वाले ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स टीएमआरसी में हैं, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में। तो आप समझ जाइए कि इसको क्या है सर, टनल इंजीनियरिंग में भी बीम है क्या? अभी धीरे धीरे कर रहे हैं लोग, अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है बिल्डिंग में हुआ है, बाकी अभी ब्रिज में इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं ओपनिंग देखा, क्योंकि मैं जॉब्स गाइड पर डेली वीडियो बनाता हूँ गाइस, जिनको नहीं पता जान लीजिएगा। तो डेली जो वीडियो बनाता हूँ मैं देखता रहता हूँ कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है, क्या क्या पूछ रहे हैं, और वही चीजें मैं आपकी क्लास में भी पढ़ाता हूँ। क्यों, वही जरूरत है ना जो मार्केट को चाहिए, ठीक है। मैं कभी घिसा पीटा सिलेबस पे बहुत कुछ नहीं करता हूँ गाइस, मैं सोचता हूँ कि जो मार्केट को चाहिए वो हम दें आपको, ठीक है। तो रोहित इसमें करियर है दोस्त, आपको सर अच्छे से है। अब हम स्टार्ट करें 4 साढ़े 4 कुछ पैकेज लेके, लेकिन आगे जाके एक्सपीरियंस
मे बी वो 7 भी आ सकता है, 8 भी जा सकता है, ऐसा कुछ क्या, ऐसा प्रोग्रेस कैसा है? लेकिन 40 जा सकता है इंडिया में। रैमबॉल कंपनी सर्च करना गूगल पे, रैमबॉल में जो बीम के जॉब कर रहे हैं, 40 लाख रुपीस तक के पैकेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 16 लाख मेरी खुद की स्टूडेंट है, उसको मिल रहा है 16 लाख पैकेज, बट सी इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, ठीक है। 16 लाख का पैकेज है, ठीक है। और आप लिंक्डइन सर्च भी कर सकते हो, देवई करके वी कंस्ट्रक्ट कंपनी में है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। कुल मिला के 40 लाख के पैकेज जा सकते हो। मेरा खुद का दोस्त है, उसकी 26 लाख सैलरी है, ठीक है। पैकेज कहाँ पे बोलो? ठीक है, ये गुड़गांव में है। और जो दोस्त है वो अहमदाबाद में है, चलो नाम ले ही लेता हूँ, मेरा नाम जनरली कंपनी का नहीं लेता हूँ, जॉनसन कंट्रोल, ठीक है। सुना है ना? यस सर। उस कंपनी का नहीं लेना चाहिए मुझे नाम, लेकिन मैं दोस्त का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 26 लाख का पैकेज आप लोग सर। और मैं अब तो जून में ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मेरे को बीएम में ही करना है करियर, तो अब स्टार्ट कैसे करूँ? स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्त, आप डेली 5 घंटा स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाइए डेली, ठीक है। सारा रोड मैप मैंने बनाया हुआ है, और मैं कोई आज से नहीं बना रहा हूँ, 3 साल से इसी फील्ड में और 8 साल से पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं 3 साल से मैं गुरुकुल बैचेस चला रहा हूँ, और बहुत सक्सेसफुली मैंने एक प्रॉपर एक रोड मैप बना दिया है, आप फॉलो कर लीजिए। सिर्फ 4 महीने, जिसमें से 2 महीने में ही मैं प्रिपेयर कर देता हूँ, बट 2 महीने एक्स्ट्रा आपको और परफेक्ट कर देते हैं, और 100% वो सफिशियंट है, कुछ और करना ही नहीं है, ठीक है। ये मेरी गारंटी है वो सफिशियंट है, और मैं बहुत रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ आपको। हाँ जी सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, गजानन पुणे से बोल रहे हैं। गजानन बस थोड़ा सा रुक जाना दोस्त, आप डेफिनेटली मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, पहले अरजीत ने हैंड रेज किया हुआ है, अरजीत का क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद आपका लेता हूँ, ठीक है दोस्त। अरजीत अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कई लोगों का क्वेश्चन बच जा रहा है, चलिए। हाँ अरजीत बोलो। सर बोल रहे थे, मतलब बीम इंडस्ट्री में जो हम देखते हैं, मतलब किसी का प्रोफाइल में देखते हैं, वो लिखा रहता है बीम मॉडलर, कहीं पे लिखा रहता है कि बीम इंजीनियर, कहीं पे लिखा रहता है बीम टेक्नीशियन, मतलब इन सब टर्मों पे डिफरेंस क्या है? देखो क्या होता है, जो फ्रेशर लेवल की प्रोफाइल होती है उसमें 3 फाइल्स आती है, ठीक है। अच्छा, पहली आती है मॉडुलर, ठीक है। इसमें आर्किटेक्चरल मॉडुलर भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल मॉडुलर भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल वाला रेवी स्ट्रक्चर पे करेगा, आर्किटेक्चर वाला रेवी आर्किटेक्चर पे करेगा। सर ऐसा कुछ है क्या, कोई अगर कोई बीआर करके आया आर्किटेक्चर में और कोई सिविल इंजीनियर करके आया, तो इंजीनियर वाला रेवी स्ट्रक्चर में ही काम करेगा और बीआर को वाला, मतलब बीआर को वाला रेवी आर्किटेक्चर में ही काम करेगा, ऐसा कोई मतलब लिमिटेशन है? तीन प्रोफाइल में, तो वही बताने चल रहा हूँ। देखो पहला प्रोफाइल बीम मॉडुलर है, ठीक है, फ्रेशर के लिए, ठीक है। दूसरा प्रोफाइल है बीम टेक्नीशियन, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। तीसरा प्रोफाइल है बीम आर्किटेक्ट। अच्छा, बीम आर्किटेक्ट, बीम मॉडुलर, बीम टेक्नीशियन, ये तीनों ही फ्रेशर लेवल की प्रोफाइल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें सभी एंट्री कर सकते हैं। अब रही बात काम करने की, तो बीम आर्किटेक्ट में ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि बी आर वाले आए, ठीक है, वो मॉडलिंग जैसा सब कुछ करते हैं। और मॉडलिंग में क्या होता है, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं बीटेक वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल थिंग्स भी होती है, ठीक है। अच्छा, बीटेक भी सब डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले के लिए मॉडलिंग सबसे अच्छी प्रोफाइल होती है, ठीक है। इसके बाद आपका जो बीम टेक्नीशियन होता है, इसमें कोशिश करते हैं डिग्री वाले आए। टेक्नीशियन का काम होता है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देना। अच्छा, जैसे मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, उसका सॉफ्टवेयर है, अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ बीम की कंपनी को। अब बीम की कंपनी मान लो किसी ने परचेस किया रैबिट सॉफ्टवेयर, मैंने बनाया हुआ है, अब उसको कुछ दिक्कत आएगी, सपोर्ट कौन देगा? तो बीम टेक्नीशियन जो होता है वो उसको सपोर्ट देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर उसको तो फिर नॉलेज या एक्सपीरियंस रहना चाहिए पहले से ही। नहीं, कैसा होता है, इसका एक मैनुअल्स होते हैं कि इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा, मैनुअल्स रहता है, पता चल जाता है, ठीक है। और एक दो बार उनको उनके सीनियर्स ने बता दिया, तो क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा सेम आती है। जैसे आप मेरे पास आओगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक फिक्स तरीका है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, भैया देख लो यही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस तरीके से मैनुअल्स रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर, ओके जी। नाउ गजानन, गजानन आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद गणेश का क्वेश्चन है, बहुत देर से गणेश वेट कर रहे हैं। यस गजानन बोलिए। सर मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बोलिए सर। बीआईएम करियर में ग्रोथ है क्या? बहुत ज्यादा है, ठीक है। बीम की कंपनियां आप पुणे में हो, आपको पता होना चाहिए, प्रेसिजन प्रीकास्ट, ठीक है, स्वारगेट पर, ठीक है, वाल्टर बी मोरे, आपको अगर नाम सुना, आप फ्रेशर हो क्या, एक्सपीरियंस हो?
फ्रेशर हूँ सर। हाँ तभी आपको नहीं पता है, अदरवाइज बीम की कंपनियां पुणे में और मुंबई में भर भर के और गुड़गांव में, ठीक है। यहाँ पर वी कंस्ट्रक्ट है, मगरपट्टा में सुना होगा आपने, मगरपट्टा में वी कंस्ट्रक्ट है। ये जो मैं अभी हाईएस्ट पैकेज बता रहा था वो उसी कंपनी का है, ठीक है, जो कि पुणे की कंपनी है। और इसके अलावा बहुत से, नील सॉफ्ट आपको सुना होगा, स्टेशन रेलवे स्टेशन के बगल में नील सॉफ्ट, ठीक है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक एंड विच है, ठीक है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं पुणे में, बीम की कंपनियां बहुत ढेर सारी हैं, ठीक है। ये सर हाँ सर व्यायाम इजी है क्या? बहुत इजी है गजानन, व्यायाम स्ट्रक्चर से इजी है, रीजन स्ट्रक्चर में लगती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं सबको बता देता हूँ भैया, जिसको कैलकुलेशन पसंद है वो स्ट्रक्चर में ही जाओ, आपको भी यही बता रहा हूँ, ठीक है। और बीम में क्यों लगती है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो अगर आपके पास डेडिकेशन है कि मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो बीम तो ऑटोमेटिक सबसे आसान तो बीम ही है यार, ये क्या? हाँ। लेकिन प्रैक्टिस बहुत लगती है, स्ट्रक्चर से ज़्यादा प्रैक्टिस बीम में लगती है, बट स्ट्रक्चर से आसान है बीम, ठीक है। सर हाँ सर सैलरी कितनी जाती है उसकी सैलरी प्रेशर स्टार्ट के? होती है ब्रदर आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, बट प्रेशर की बात करें तो 3 लाख प्लस से मिलती है, 3 लाख ठीक है। प्लस से रहती है क्या? यस ठीक है, 3 लाख प्लस, ठीक है। हाँ अभी इसमें सर, बोलो, सर टेपियल का टेकला का सॉफ्टवेयर बीआईएम में आता है क्या? यस बीम में आता है, आप सब, आप जितने बीम की कंपनी टेकला पे ही काम कर रहे हैं क्या? नहीं बीम की सारी कंपनियों को बीम में मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है, जिसमें इस समय जो यूज कर रही है ज्यादातर कंपनियां, रेविट यूज कर रही हैं, टिकला यूज कर रही हैं, और नेविस्वर्क यूज कर रही हैं। अब बोलो सर, आपको कैसे पता कि मैं डेली ओपनिंग्स, इंस्केप तो प्लगइन हो सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, डेली मैं ओपनिंग्स बताता हूँ, और ओपनिंग्स में जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही सारी रिक्वायरमेंट सारी, ठीक है। हाँ सर आपके आपके कोर्स में टेकला सॉफ्टवेयर सिखाने वाले यस यस सिखाने वाले दोस्त, रिकॉर्डेड होगा कर लाए होगा सर सेशन? आप लेट आए हो क्या? हाँ सर, ठीक है, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप प्लीज कॉन्टेक्ट, आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो, या तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, एक बार आप सिलेबस खोल दो, सब कुछ है जो वो एक बीम के लिए लगेगा, वो सारी चीज़ें मैं वही बार बार बोलूंगा, तो आपका भी समय जाएगा और लोगों का समय जाएगा। गजानन मैं आपको कॉल करा दूंगा, आपको जरूरत होगी आप मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना, ठीक है। सर मुझे आपसे कुछ बात करना था। हेलो ओके सर। सर, हाँ सदाब, बस थोड़ा सा रुक जा सदाब, मैं बिल्कुल आपसे ओके बात सर, करता ओके हूँ। पहले गणेश बहुत ऐसे हैंड रिच किए हैं, तो जिन्होंने हैंड रिच ओके किए ओके उसको, ओके ठीक है, ओके ओके गणेश, सर, नो प्रॉब्लम। ओके जी गणेश बोलिए ब्रदर, आप बहुत ऐसे वेट कर रहे हैं, ठीक है। गाइस कोई भी दिल पे मत लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब क्वेश्चंस हो जाएं, अगर किसी का रह जाए तो निराश मत होना, हम बाई कॉल का भी नंबर दे देंगे, आप कल कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझे। गणेश कुछ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सौरभ क्वेश्चन पूछना चाहिए, सौरभ बोलो जरा। सर मैं बोल रहा था कि जैसे हम लोग बीम सीखेंगे तो हम लोग तो फ्रेशर्स है, तो मैंने कंपनी तो मतलब एक्सपीरियंस लोगों की लेता है, फ्रेशर्स तो कंपनी मतलब लेते हैं वही प्लेसमेंट से ही कॉलेज से लेता है, तो हम लोग तो फ्रेशर्स होंगे तो हम लोग को क्या लेंगे, वो एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। हम आपको 6 मंथ की पूरी इंटर्नशिप की ट्रेनिंग देते हैं ब्रदर, तो 6 मंथ का आपको लेटर मिलता है हमारे पास से, ठीक है। वो लेटर एज अ एक्सपीरियंस काउंट होता है, रीजन क्योंकि आपने 6 मंथ हमारे अंडर में ट्रेनिंग किया हुआ है, उसका एक सर्टिफिकेशन रहता है। सेकेंड थिंग, हम आपको एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना सिखाते हैं जो आप बनाते हो, और वो पोर्टफोलियो जो आप दिखाते हो किसी को, बिलीव करिए जो मैं पोर्टफोलियो मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं, वो पोर्टफोलियो 1 साल के एक्सपीरियंस से कहीं ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। और जब आप उस पोर्टफोलियो को अपने कंपनी के सामने प्रेजेंट करते हैं विद 6 मंथ इंटर्नशिप, तो कंपनी को समझ में आता है कि हाँ यार इसके पास तो इंटर्नशिप का भी है, और प्लस जो पोर्टफोलियो का जो लेवल है वो इतना हाई लेवल है कि डेफिनेटली इसको कंसिडर करना बनता है, तो वहाँ से कंसिडरेशन ऑटोमेटिक, और इसी बेस पर अपना सिलेक्शन भी होता है, यही कारण है, ओके सर। ठीक है, तो 6 मंथ का इंटर्नशिप प्लस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, मैं पोर्टफोलियो के लिए आपको 1.5 महीना देता हूँ कि इतना बनाओ ना कि आपके पोर्टफोलियो को देख के, अभी ग्रुप में मैं डलवा दूंगा 2-4 पोर्टफोलियो, आप देखना, वो पोर्टफोलियो देखने के बाद आपको लगे आए जो लोग काम कर रहे होंगे, 1 साल काम किए होंगे, बिलीव करो उनसे बेटर होता है। रीजन क्योंकि 1 साल काम करोगे तो आप एक प्रोजेक्ट को लंबा खींचोगे, यहाँ एक प्रोजेक्ट को डेली करना है, ठीक है, तो अपने यहाँ फिनिशिंग आ जाती है। तो सर ये 6 मंथ में मतलब जो जो सॉफ्टवेयर सिखाएंगे वो ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब कितना रिवेट कितना तो टेकला? अपनी ट्रेनिंग 4 मंथ की ही होती है,
बट हम आपको लेटर देते हैं 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट होता है, ठीक है। आप लोग सर फिर गलत क्यों देते हैं? गलत नहीं दे रहा हूँ आपको, डेली घर से भी 1 घंटे वॉच करने के लिए दे रहा हूँ ना, समझ गए? 1 घंटा डेली घर से वॉच करना है, 1.5 घंटा लाइव, तो कितना हो गया? 2.5 घंटा हो गया ना। तो जो 1 घंटा डेली डेली घर से वॉच कर रहे हो, इसके बेस पर 2 मंथ का सर्टिफिकेट प्लस लाइव की वजह से 4 मंथ ये हो गया, तो टोटल 6 मंथ, बट कोर्स आपका 4 महीने का है। हाँ सर वो तो समझ गया, मतलब ये टेक्ला रेविट का ड्यूरेशन कितना कितना होगा? देखो इसका जो ड्यूरेशन रहता है इधर, वो डिपेंड करता है बैच के ऊपर, बैच कैसे ग्रास्प कर रही है। जैसे कभी कभी किसी किसी बैच में ऑटो कैड, बट एक एवरेज में बता देता हूँ, क्योंकि कैसे अभी देखो मैं, कोई मेरे ऊपर इम्प्लॉई तो है नहीं, कोई मुझे डांटेगा जल्दी बैच खत्म करो, मैं रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ। मेरा मेन एम होता है गाइस कि जो बैच में आया है उसको 100% वो चीज़ आनी चाहिए, जिसने अटेंडेंस मेंटेन किया है उसको रट जानी चाहिए, मेरा पूरा प्रयास रहता है, इसलिए मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। कभी कभी मैं 4 महीने की बैच को 4.5 महीने भी लेके जाता हूँ, आपको इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो जाएगा, अरे यार 4.5 महीना, बट यस कभी कभी 4.5 महीना भी जाता है, क्योंकि मेरा मेन एम है आपकी क्वालिटी आनी चाहिए। बस आए हैं आप मेरे पास, अटेंडेंस मेंटेन किया हुआ है आपने, तो आप बन के जाएं, ये मेरा प्रेशर रहता है। बट आपके लिए एवरेज बता देता हूँ, 15 से 20 दिन आपका ऑटो कैट को जाता है, ठीक है, और लगभग 1 महीना जाता है आपका रेविट आर्किटेक्चर को, ठीक है, लगभग 15 दिन जाता है आपका रेविट स्ट्रक्चर को, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन जाता है रेविट MEP को, लगभग टेक्ला को 1 महीना जाता है। ये हमारे मेन सॉफ्टवेयर हैं रेविट और टेक्ला मेन। इसके बाद नेविस्वर्ग में फिक्स काम है, तो नेविस्वर्ग ज़्यादा 7 से 8 दिन में हो जाता है, ठीक है, बहुत गया तो 10 दिन, वो बैच पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने प्रैक्टिस कितना जल्दी कर लिया, ठीक है, तो नेविस्वर्ग को जाता है 10 दिन, और उसके बाद जो बचा समय रहता है वो पूरा का पूरा आपको दे दिया जाता है स्केचअप के लिए और 3DS Max के लिए, ऐसे डिवाइड होता है, और आप जब तक सीखते हो तब तक मैं सिखाता हूँ, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके सर, हेलो सर, मेरा क्या होता है पूछना था, बिल्कुल विजय सोनू को, सोनू आप पूछ लीजिए, फिर विजय पूछ लीजिए, सोनू बोलिए आप, बहुत ऐसा आप ध्यान रखिए। सर मैं अभी कॉलेज फ्रेशर हूँ सर, और पटना में मतलब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हूँ SSC JEE, ठीक है सर। हाँ। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर ये जो बीम का जो कोर्स कर लूंगा, अगर जॉब के साथ पढ़ाई को मेंटेन कर पाऊंगा सर इस जॉब प्रोफाइल के साथ? मेरे पास जितने लोग हैं उसमें से 90% लोग जॉब के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं टास्क भी उसी हिसाब से देता हूँ कि आप जॉब के साथ कर सकें। बट हाँ ये तो जरूर है कि उस समय रील्स चलाने को समय नहीं मिलेगा, यूट्यूब चलाने को समय नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जब तक की ट्रेनिंग चलती रहेगी, ठीक है। और सर जो क्लास का जो लेक्चर होगा सर वो थ्रू आउट इंग्लिश तो नहीं ना होगा सर? नहीं नहीं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही, ठीक है, मैं अंग्रेज थोड़ी हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, बहुत आसान भाषा में, और जैसे मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ऐसे पढ़ाता भी हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत ड्रामे की तरह कोट पैंट पहन के आऊंगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बोल रहा हूँ एकदम ऐसे ही, और मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, मुझे डर आता भी नहीं है। और सर जैसे सर मैंने कोर्स कंप्लीट किया 4.5 महीना के बाद, तो उसके बाद ये प्लेसमेंट या जो बोलते सर जॉब कब तक लग जाएगी सर, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन? वो डिपेंड करेगा, इन्होंने क्वेश्चन बस विकास बता रहा हूँ, तो देखो दोस्त क्या होता है, हम दूसरे महीने से ही आपको गाइड करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, ये मैं दूसरे महीने से ही आपको गाइड करने लगता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी आपकी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कैसे आप मेहनत कर रहे हो, कितना आप अप्लाई कर रहे हो, कितनी बार अप्लाई कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है ना, तो कितना आप अप्लाई कर रहे हो उसके बेस पर डिपेंड करता है। बट अगर सही से एम्प्लॉई अप्लाई किया हुआ तो 3 महीने के अंदर जॉब लग जाती है, ठीक है, और ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपके हार्ड वर्क के ऊपर। हाँ अभी और कोई बोल रहा था ना कुछ बीच में, मैंने बोला आप इसके बाद कुछ, अदनान कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर ख्वाजा मोहिद्दीन, अदनान आप पूछ लीजिए, फिर ख्वाजा मोहिद्दीन जी पूछ ले। ये सर आप जो सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो सर, डेविट और टेक्ला, ये आप एडवांस लेवल पे भी सिखाओगे ना सर? यस यस ब्रदर, ये बहुत एडवांस है, अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे बच्चों का तो आपको आइडिया लग जाएगा, मैं ग्रुप में जरूर भेजवाऊंगा पोर्टफोलियो, तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा एडवांस, जहाँ तक आप जा सकते हो मैं वहाँ तक आपको ले जाता हूँ, तो डिपेंड करता है आप कितना जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरा खुद का 8 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी खुद की कंसल्टेंसी भी है, तो हमारे पास प्रोजेक्ट भी भरे पड़े हैं, और आप कितना डेप्थ तक जाओगे मेरे आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरा स्टॉप नहीं है, आप जहाँ तक जाओगे मैं वहाँ तक जा सकते हो, ठीक है।
चलेगा और बहुत मजे से पढ़ाते हैं, बहुत सीरियस हो कैसे एंजॉय करके। हाँ जी बोलो सर, आप डेली लाइव आप ही लोगे सर क्लास या और? यस यस मैं नहीं, मैं बीम की सारी क्लासेस मैं लूंगा बजा। फोर मंथ पूरे लाइव क्लासेस चलेंगे या रिकॉर्डेड क्लासेस भी थोड़े दिन होंगे? नहीं, फोर मंथ डेली 1.5 घंटा लाइव, 1 घंटा रिकॉर्डिंग। अच्छा डेली लाइव क्लास होगी सर आपसे? यस यस मंडे टू फ्राइडे डेली, मतलब मुझे भी साथ चाहिए ना, मंडे टू फ्राइडे। हेलो सर। हेलो हेलो सर, मैं हैदराबाद से सर। हाँ ख्वाजाउद्दीन आप पूछ लीजिए, इसके बाद यादव जी पूछ रहे थे कुछ। यस आप पूछ लीजिए ख्वाजाउद्दीन। सर मेरे ये नोट था कि सर मैं खाली रिविट सीख लिए तो जॉब मिल जाएगी बस इसी को? रैबिट केवल सीख लेंगे तो जॉब लग जाएगी? बिल्कुल जॉब लग जाएगी जी, रैबिट अगर सीख ले, बट केवल रैबिट सीखने से नहीं होगा। ठीक है बस विकास आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या बोलते हैं देखो, केवल रैबिट को क्या होता है ना कि रैबिट मतलब आप केवल एक छोटे से मॉड्यूलर रह जाओगे, पर जब आपको बीम मॉड्यूलर बनना है दोस्त, तो बीम मॉड्यूलर बनने के लिए आपको और भी कई कॉन्सेप्ट्स की नीड होती है। उन कॉन्सेप्ट को सीखना पड़े, जैसे कि बीईपी को सीखना पड़ेगा, बीम एजुकेशन प्लान, आपको कोवी के बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है आपको सीखना पड़ेगा एलओडी के बारे में, ठीक है। आप केवल रैबिट सीख के जाओगे तो आप 10 से 15 हज़ार तक की जॉब पा सकते हो, बट अगर कंप्लीट बीम के कॉन्सेप्ट के साथ रैबिट सीख के जाओगे तो ये सैलरी आपकी 25 से 30 हज़ार पहुँच सकती है। ठीक है सर, मैं आपके आपके साथ जुड़ा हुआ 2 महीने से, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से मैं कोर्स नहीं ले सका, बट मेरा एक दोस्त एक इंस्टीट्यूट से सीखा था और वो दुबई को जाके 350 रियाल कमा भी रहा है अभी, तो मैं भी वही इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो गया और रिविट सीख लिया हूँ मैं, ऑटोकैड और रिविट हो गया मेरा। तो सर मगर उन्होंने बेसिक सीखा ऐसा दिख रहा और उन्होंने मेरे को कुछ भी प्रैक्टिस डाटा भी ज्यादा नहीं दिए, तो एडवांस कैसा रहेगा मुझे मालूम ही नहीं है। देखो कैसे होता है, करना है कि कोई गलती नहीं होती, इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है या फिर कोई भी ट्रेनर जो होता है, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई गलत सिखा रहा है, हर कोई अच्छा सिखा रहा है जितना उनको आता है ना, शायद उनसे बेहतर मैं जानता हूँ, शायद मेरे से बेहतर कोई और जानता होगा, ठीक है, नॉलेज का कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकता, बट ये जरूर बोल सकता हूँ कि हाँ इंस्टीट्यूट में और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूँ तो कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है। हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पर पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, कोई वर्क पर प्रैक्टिस नहीं करता, ये अंतर है बस, ठीक है। और ये मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू वो भी कुछ भी ऐसा सिखाए नहीं सर, डाटा भी नहीं दिए, तो आपके तरफ से कुछ मिल सकता है? मॉक इंटरव्यू एक अलग चीज रहती है, इसमें ना इंस्टीट्यूट लेवल पर सिखाना संभव ही नहीं है, क्योंकि तो गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉक इंटरव्यू के पहले मैंने कितने धक्के खाए होंगे इंटरव्यू के लिए, मैंने बहुत इंटरव्यू के लिए धक्के खाए हैं, पैकेज कम, मिडिल क्लास आदमी को पैकेज ही देखता है ना, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए कि किस कंपनी में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे गुरुकुल के बच्चों को पता है कि आपके पिनेकल में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे पता है, ठीक है, भी क्वेश्चन क्या पूछेंगे मैक्सिमम, ये एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और ये एक्सपीरियंस मुझे 5 साल मैंने जॉब किया हुआ है, ठीक है। तो उसके वजह से होता है, अगर मैं कोई फ्रेशर होता तो मैं क्या बताता तुमको, इस चीज में बोल नहीं पाता ना। आज मुझे बीम की सारी इंडिया की कंपनियां एकदम मेरे मुंह पे हैं, जहां की बोलोगे वहां की मैं बता सकता हूँ, क्यों 8 साल हो गया वर्क, ठीक है। आप अगर देखो तो परसों ही मैंने डाला हुआ है, 3 या 4 कंपनियां हैं हैदराबाद में, कंपनियां हैं और इवन हैदराबाद में काफी कंपनियां आ रही हैं, बैंगलोर की सारी कंपनियां हैं, क्योंकि ड्यू टू ट्रैफिक और ड्यू टू लाइक लिविंग कॉस्ट सबके सब हैदराबाद शिफ्ट हो रही है, तो आप फायदा कर सकते हैं। सर ये BIM में हर बार काम रहता सर, क्योंकि अब जैसे IT में कोविड के टाइम पे बहुत काम था, अब IT के पूरे उनको निकाल ले रहे जॉब से, तो BIM में भी ऐसा रहेगा सर इन फ्यूचर? बिल्कुल रहेगा, आज से 10 साल बाद ऐसा ही रहेगा। अच्छा 10 साल बाद, अभी नहीं, अभी तो भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ पूरे जगह, इंडिया में भी हार्डली 55% जगहों पर इम्प्लीमेंट हो पाया है, अभी भी 45% जगह इंडिया में खाली है, ठीक है। और अच्छा विकास के भाई क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर, यादवीर सिंह थोड़ा सा रुक जाइए,
इनका डाटा खराब हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ सर, ये था कि आपके जो इंटरव्यूज के जो रहते सर, वीडियोस वगैरह कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इससे इंटरव्यू प्रिपरेशन चलेंगे। ये मेरा नंबर, अभी मेरा नंबर यहाँ पर है ग्रुप में, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा, ठीक है जी। ओके सर। और सर ये जो मैं रिवीट और ऑटोकैड तो सीख लिया हूँ ना सर, तो जैसा टेक्ला है, नेविस्वर्क है, ये सीखना है, तो ये कोर्स मिल जाएंगे? और जो दो तीन बचे हुए, आप कल 11 बजे कॉल कर लेना मुझे, मैं डिटेल में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी, हो जाएगा। ओके थैंक यू, ठीक है। ओके जी, चलो भाई विकास का क्वेश्चन लेके फिर यादवीर सिंह जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। विकास का क्वेश्चन है कि हाउ मच इंटरनेट रिक्वायर्ड फॉर ईच डे। अच्छा, सही क्वेश्चन पूछा बंदे ने। ठीक है भाई, देखो इंटरनेट कम से कम 1.5 GB तो लगेगा विकास, ठीक है। रिचार्ज जो है थोड़ा सा बड़ा वाला करना पड़ेगा, अंबानी साहब को थोड़ा सा और अमीर बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। रही बात इन्होंने पूछा कि क्या बोलते हैं, बस एक ही क्वेश्चन है, विवेक का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सैटरडे संडे क्या करेंगे सर। सैटरडे संडे को हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि जब रोज प्रोजेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो जो छूट जाएगा उसको सैटरडे संडे को कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक फिक्स टास्क होता है सैटरडे संडे को लेके, वो टास्क को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के आपको एक मेजर प्रोजेक्ट करना पड़ता है स्टार्ट से इन तक। हाँ जी, अब एक यादवी का क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। विकास बीम स्किल को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हमें बीम इंडस्ट्री में कितना समय देना पड़ेगा, आफ्टर दैट वी विल टर्न टू आवर आवर बिजनेस, आवर कंसल्टेंसी फर्म। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो बीम की कंसल्टेंसी जो है अभी भी इंडिया में बहुत कम है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट कम वाला जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। आने वाले बिलीव करिए कि अभी कई डिफरेंट कंपनियां हैं, अभी बेंगलोर की कंपनी, उन्होंने बोला सर हमारे एम्प्लॉयज को बीम के बारे में बताइए, और काफ़ी कॉस्टली ट्रेनिंग होती है उन लोगों की कॉर्पोरेट की। तो उन्होंने मुझे एक मंथ का बॉन्ड करा था हमारे साथ। तो अब कंपनी को पता ही नहीं बीम के बारे में, और एम्प्लॉय क्या होता है ना, एम्प्लॉय हो जाता है लेजी, अगर एक काम को करते वो नया सीखना भी नहीं चाहता, जब सैलरी मिल रही है क्या वो सीखेगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या होता है दोस्त, कि बीम के अंदर अगर आपको काम करना है, तो मेरा जो अनुमान रहेगा कि अगर आपको अच्छा बिजनेस खड़ा करना है, अच्छा मतलब समझ रहे हैं आप, लगभग करोड़ों में, लाख में नहीं, करोड़ों में करना चाह रहे, तो 5 साल स्पेंड करना पड़ेगा। लाख में कमाना है तो आप 2 से 2.5 साल में आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है। क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट आप फॉरेन वगैरह से उठाओगे तभी आप मोटा पैसा कमाओगे, है ना, उसके लिए 5 साल का स्टेम होना जरूरी है। सर मैं 15 ये सर 15 पास आउट हूँ, तो एक काफी लंबा समय है, और वैसे इंडस्ट्री में हूँ 6 से 7 साल से। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि एक एक थोड़ा नेगेटिव शो करता है कि इतने दिन से। यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा यादवीर, कि बी में कैसी इंडस्ट्री है ना दोस्त, बाकी सारी इंडस्ट्री में ना देखा जाता है आपका इतना एक्सपीरियंस है क्या है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आप नहीं बोलते हो, आपका पोर्टफोलियो बोलता है। बीम के अंदर पोर्टफोलियो कंपलसरी है। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, आप शॉप में गए तो ये नहीं पूछ रहे शॉप कब खुला था, आप मेनू को देखोगे और मेनू के फीडबैक्स देखोगे लोगों के। तो यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से अगर आपने अपने कैटलॉग को बना लिया, पोर्टफोलियो को बना लिया, तो कहते हैं ना कि क्वालिटी से हर कोई बाकी चीजों को छोड़ देता है ना, क्वालिटी देखता है। तो वो क्वालिटी को लेके अभी मैं एक जगह चाय पीता हूँ, बड़ी अच्छी चाय बनाता है, नो डाउट टपरी ही है, पर बिलीव करो एक दिन मैं वो चाय सुट्टा बार में गया था, कुछ 60 रुपए का मुझे चाय दिया था, क्या घटिया चाय थी, लेकिन वो 10 रुपए की चाय इतनी बेहतरीन देता है क्या बताऊं, ठीक है। तो ये अंतर क्या हो गया, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मैटर्स करता है, वो फायदा हो जाता है, ठीक है। ओके गॉट इट। ओके जी, चलो भाई ये क्वेश्चन बहुत देर से सादिक पूछना चाह रहे हैं, सादिक जी बोलिए। सर इंटीरियर डिजाइन का और बीम का कोर्स करना कैसा रहेगा? इंटीरियर मत करो, अगर इंटीरियर में आपका डिप्लोमा हुआ है तब जाओ उसमें, ठीक है, अदरवाइज मैं इंटीरियर नहीं बोलूंगा आपके लिए, क्योंकि इंटीरियर में काम बहुत लिमिटेड हो जाता है आपका, ठीक है। इंटीरियर की जो कंपनियां होता है उनका पैकेज लिमिटेड रहता है, तो मेरा सजेशन है कि इंटीरियर में मत जाओ जब तक कि आपको खुद का नहीं करना है तब तक। अगर खुद का करना चाहते हो तो इंटीरियर सबसे अच्छा है, बड़ा सा पैसा कमाओगे उसके अंदर, बट जॉब करोगे तो ज्यादा इनकम नहीं है उसमें। रही बात एक्सटीरियर डिजाइनिंग या बीम की, यस इसमें आपको अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। यस कोई भी आपको क्लास के अंदर इंटीरियर सिखाऊंगा, क्लास के अंदर हर चीज सिखा देता हूँ। इंटीरियर के अलावा मैं आपको यहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट्स लेना है फ्रीलांसिंग, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। कैसे ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स लेने हैं, कैसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेने हैं, वो भी सिखा देता हूँ। जॉब सर्च कैसे करनी वो भी सिखा देता हूँ। बट सजेशन यही रहता है कि वर्क उसमें करो जिसमें लंबा हो सके करियर,
ठीक है, इंटीरियर में बहुत लिमिटेड है, प्लस ऑलरेडी इंटीरियर डिजाइनिंग के डिप्लोमा होने लगे हैं, तो वहां के लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, आप हो जाते हो सेकंड, तो ऐसे जगह पर नुकसान है, यस सर। ठीक है चलेगा। उसके बाद बीजे कुछ पूछना चाह रहे थे शायद, यस बीजे बोलिए। हेलो सर, मेरा एक डाउट था बिल्कुल। बीएम और स्ट्रक्चर में। हाँ सर एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर में, हाँ हाँ लेकिन सैलरी के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से देखो तो बीएम बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर करेक्ट से बढ़िया है बीएम। तो सर मेरा एक फिर कि मेरा इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर में, हाँ लेकिन पैकेज के हिसाब से देखो तो बीएम, अभी मेरा बीएम का कोर्स चल रहा है तो, लेकिन सर मेरे को स्ट्रक्चर में जाना है। सो आपके यूनिक एकेडमी से मैंने सर्च किया स्ट्रक्चर का, आपका यहाँ कोई कोर्स भी नहीं है है यार, इस। है फिर पूरा सर्च नहीं किया, ठीक है बैच फुल है इसलिए अभी नई बैच नहीं है। ऐसा है क्या सर? हाँ ठीक है मैंने चलो। कॉल था सर, परसों कॉल किया था मैंने। अच्छा अभी बैच फुल है इसलिए मैंने इंक्वायरी बंद करवा दिया है। कैसे होता है बेटा, हम ना उतने ही बैच लेते हैं जितना बैच से मैं कंफर्टेबल रहूँ, ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं पसंद है, ठीक है, और मैं आपके बैच में भी हार्डली 30 से 35 लोगों को ऐड करता हूँ एक बैच में। मेरा वो भी नहीं है कि हम 250 बच्चों को, हम पता ही नहीं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं आ रहा है कौन जा रहा है, वो काम नहीं रहता है, ठीक है हम 4 महीने में एक बैच करते हैं स्ट्रक्चर का केवल, ठीक है अभी एक बैच चल रही है, जुलाई में खत्म होगी, जुलाई के लास्ट में एक बैच चलाऊंगा, फिर 4 महीने बाद ही चलाऊंगा। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर या हाँ बी मेरे में? पॉइंट ऑफ व्यू सर से आपको स्ट्रक्चर में ही करियर बनाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर होता है इंटरेस्ट, ठीक है ओके सर। क्योंकि इंटरेस्ट अगर आपका है, बिलीव करो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है आपका तो आप करियर में पैसे कमा लोगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रक्चर इंजीनियर में भी थोड़े से पैसे कमाने के तरीके अलग है, वहां क्या करना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट आप बाहर से ले लो कितने का प्रोजेक्ट होता है पता है, 15,000 रुपये 20,000 रुपये के एक प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है जितना आप पूरे महीने में कमाओगे एक घंटे के प्रोजेक्ट में कमा लोगे, तरीका बस ओके अलग होता है। बट अगर आपका इंटरेस्ट स्ट्रक्चर में है तो उसमें करिए, आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो दोनों करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग भी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म रेडी करने गए तो उसमें स्ट्रक्चर के भी प्रोजेक्ट लेंगे, और इवन क्या बोलते हैं बीम के भी प्रोजेक्ट लेंगे, इवन हम लोग साइट का भी वर्क करेंगे क्योंकि हमें तो पैसे कमाना है ना भाई, ठीक है ओके सर नो डाउट मैं नहीं करूंगा कोई और करेगा, ओके सर ठीक है चलेगा। और ये क्वेश्चन बीच में कुछ पूछ रहे थे शादाब जी, मैंने को रोक दिया था सॉरी फॉर दैट, यस सर बोल दीजिए प्लीज यस सर यस सर। बोलिए। सर मैं सऊदी से हूँ और मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ। हाँ तो बट सर मैं सिविल का जो बिल्डिंग का होता है उसका पूरा ई टैप्स वगैरह जो होते हैं ना सर, वो मुझे थोड़ा थोड़ा वो आता है। बट लेकिन वो आपके यहाँ सर कोई इस तरह का है जो पूरा बिल्डिंग का हर चीज सिखा दे, जैसे कि उसका है ना मतलब बीम का विड्थ कितना होना चाहिए, वो कितना लोड बियरिंग, वही वो सब वही वगैरह। बैच, वही बैच के बारे में ये डिस्कस कर रहे थे, वो बैच मेरी जुलाई में चलेगी, उसके बाद फिर 4 महीने बाद चलेगी, मैं 4 महीने में एक बैच करता हूँ वाली, ठीक है। और उसका अच्छा मेन सर रीजन तो हम बोलो बोलो बोल बोलो जी सर, तो वो कौन कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर उसमें उसमें बेटा थोड़ा सिखाते हैं? ऑटो कैड से स्टार्ट होता है, ऑटो कैड के अंदर उसके अंदर प्लानिंग होती है, उसके बाद स्टैट प्रो पर स्टील स्ट्रक्चर और G+5 तक के स्ट्रक्चर से स्टैट प्रो पे उस पर डिजाइन किए जाते हैं, उसके बाद RCDC पर डिटेलिंग किए जाते हैं, फिर जो हाई रेज बिल्डिंग होते हैं, ठीक है G+10 G+20 ऐसे प्रोजेक्ट्स को ETS पर डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट के फुटिंग को और स्लैब को सेफ सॉफ्टवेयर है या SAFE सेफ सॉफ्टवेयर पर उसकी फुटिंग और स्लैब को डिजाइन किए जाते हैं, मैनुअल और एक्सल, ठीक है मैनुअल और एक्सल, मैनुअल से कैसे कि आपने डिजाइन किया पता नहीं वो डिजाइन सही आया कि नहीं सॉफ्टवेयर से, उसको मैनुअल से क्रॉस चेक करना सिखाते हैं, एक्सेल से आप डेक चेक करो क्योंकि मैनुअल तो हर समय कर नहीं पाओगे पूरे प्रोजेक्ट का, तो एक्सेल से चेक करो कि स्लैब पर एनफोर्समेंट सही आ रहा है क्या, तो एक्सेल भी सीखते हो। उसके अलावा उसमें रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर था नहीं बट बच्चों ने फोर्सफुली बोला तो मैंने कहा चलो कर देते हैं इनकी खुशी के लिए, तो रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर भी उसमें डाल दिया है, बट मेन पोर्सन ये है, ठीक है। तो सर जैसे ये तो जैसे मैं ये ज्वाइन करता हूँ तो बिल्डिंग का लगभग लगभग है ना सब कुछ मतलब वो कवर हो लगभग नहीं जाएगा? सब कुछ है, तो सब कुछ है। ठीक है बिल्डिंग का सब कुछ अच्छा है, इवन जो एमटेक में आप पढ़ने की कोशिश करोगे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग वो भी इसके अंदर है, डायनेमिक एनालिसिस वो भी इसके अंदर है, FEM फाइनाइट एलिमेंट वो भी इसके अंदर है,
नहीं सर, उतना तो नहीं जाना है सर, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, ऑलरेडी मैं प्लानर हूँ, तो अच्छा है, तो कोई मसला है नहीं, लेकिन वो थोड़ा बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा ये हो नहीं रहा है। मतलब मुझे बाकी जो आप सॉफ्टवेयर बताएं सर, हाँ तो वो सारे सॉफ्टवेयर मैं यूज सर वो करता भी हूँ, और मेरे वो लैपटॉप में भी है, लेकिन पूरा नहीं आता है, मतलब हाँ एक होता है ना देखो, फुली। हाँ समझ गया सदाब, लेकिन क्या होता है ना सदाब, आपके देखो सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेटर है, इसको हमेशा याद रखना। सॉफ्टवेयर क्या है? कैलकुलेटर है, ठीक है। इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ सॉफ्टवेयर पे सीखनी है, बिलीव करो अर्थक्वेक एनालिसिस आप एक यूट्यूब पर डालो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, बट उसमें जी से एग्जैक्टली कम 990 बेकार होंगे, मतलब गलत होंगे। आप लोग सर क्यों गलत? जैसे उन्होंने स्टेप गलत नहीं बताए, उन्होंने एनालिसिस गलत नहीं बताई। अर्थक्वेक का मतलब तब निकलता है जब आपको सेस्मिक जोन का नॉलेज हो। अर्थक्वेक का मतलब तब निकलता है कि जब आप बेस ईयर को मैनुअली कैलकुलेट करना जानो। अर्थक्वेक का मतलब तब होता है कि हर जोन का क्या क्या फैक्टर होता है, एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब समझ रहे हो? सॉफ्टवेयर को यस समझना सर, बड़ा यस सर। आसान है, ये समझना टफ है। तो अपने क्लासेस में क्या होते हैं, चाहे मैं बीम के लिए भी अगर सिखाऊंगा तो मैं ऐसे सिखाने वाला हूँ, जैसे कि प्लान डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। प्लान को सिखाने के लिए पहले मैं आपको बिल्डिंग बाय लॉ सिखाऊंगा। भाई बिल्डिंग को बनाने चल दिए, रूल तो जानो उसका, ठीक है। यस लाइन सर, को बिल्कुल। लाइन लाइन खींचना इंजीनियर का काम थोड़ी है, वो तो ड्राफ्टमैन करता है यार, ड्राफ्टमैन का काम ठीक है। लाइन खींच दिया, ऐसे ऐसे करना है, ये तो मैं 10th क्लास के बच्चे को बैठा दूं, बोलूं भाई ऐसे एक लाइन खींचना, ऑटोकैड में ऐसे जाएगा, फिर सीधे चले जाना, फिर ऐसे टेढ़े कर दो। इसमें आप एज ए इंजीनियर क्या कर रहे हो? आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, आप नेचर के रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि फ्रंट पे इतना रखेंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन आएगा। आप देख रहे हो कि ड्रेनेज लाइन, अगर बाथरूम यहाँ रखूंगा तो ड्रेनेज यहाँ से पास हो जाएगा। इंजीनियर की तरह सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये बीम के अंदर मैं जी आपको सर, सिखाता बिल्कुल हूँ। जी सर। आपका सर एक चीज और पूछना था सर, कि जो आप जो कोचिंग करवाते, तो सर मतलब वीडियो सर फिर कहने मतलब बाद में रहता है क्या, मतलब जैसे आप जो पढ़ाएंगे तो वो रहता होगा ना ऑनलाइन? फाइव ईयर तक रहता है। अच्छा, 5 ईयर तक। और सर वो फीस कितना है सर आपका, फी तो ज्यादा नहीं, तुम्हारी मतलब इस और कम कोर्स हो जाएगा, कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां के रिवेन्यू से देखोगे तो ओनली 20,000 है। तो सर कम कहाँ हो रहा है सर, हम लोग तो इंडिया ही बेचते नहीं हैं मैंने प्लान किया हुआ, बिलीव करो, इसलिए ना मेरे पास बहुत फॉरेनर आए हुए हैं। फॉरेनर इन द सेंस, अभी कुछ लड़के हैं जो यूएस में जॉब कर रहे हैं, अब उनके लिए मेरी अच्छा मेरी फीस तो बहुत कम है, ठीक है। तो मैंने हाँ एग्जैक्टली इसमें प्लान कर रहा हूँ, इसीलिए वो मेरे पास ज्यादा ही मुझे लगता है क्राउड हो चुका है। फॉरेनर बहुत ढेर सारे हो चुके हैं, अब आप फॉरेनर की कैटेगरी में आ गए, तो मैं इनके लिए कुछ फीस चेंज करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ लड़के हैं जो क्या बोलते हैं, लास्ट बैच में 3 बच्चे थे जो कि यूएसए बीम के अंदर ही मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्लासेस लगाए थे, अब उनके ठीक है, उसी की अच्छी बात है, लेकिन क्या बोलते हैं, डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो गया ना ये चीज़, क्योंकि वहाँ सीखते तो पर बहुत ज़्यादा एक्स अमाउंट देना पड़ता है ना, तो ये फिर हाँ मतलब मजाक के तौर पर फीस वही रहती है सबकी, 20 सबकी रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और का ले लूँ फिर, क्योंकि आप देर से वेट कर रहे थे। नौ क्वेश्चन भाई ले लेते हैं राजीव जी का, वह राजीव बहुत देर से वेट कर रहे हैं। यस राजीव जी बोलिए, राजीव सिंह जी। अरे बाप रे, मेरा ही नेटवर्क चला गया क्या? गाइस जस्ट वेट करना, नेट डिसकनेक्ट हो गया है, मुझे लगता है वाईफाई चला गया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आपको आवाज़ आ रही होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है। बस ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, अभी नेटवर्क है भी फिर भी नहीं आ रहा है। जस्ट अ मिनट गाइस, गैस मेरी आवाज जा रही है क्या, एक बार कमेंट करके बताना प्लीज, कमेंट कर देना कि मेरी आवाज जा रही है क्या। ओके
ओके थैंक यू थैंक यू। पता नहीं क्यों यार नेट चला गया, चलो इधर से काम तब तक चलाते हैं। थैंक यू। तो क्या बोलते हैं, हम लोग क्वेश्चन कौन सा ले रहे थे, क्या बोलते हैं क्वेश्चन था, आई थिंक किसका क्वेश्चन था गाइस, राजीव आपका था ना, राजीव सिंह आपका था ना क्वेश्चन, राजीव आपका क्वेश्चन था ना, माइक ऑन कर लेना दोस्त। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा वो तो चलो ठीक है, वो तो 20,000 वो तो हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। आशीष कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ऐसा आशीष बोलिए प्लीज। और कुछ रह गया क्या हड़ताल, नहीं नहीं बस वही पूछना था, बस वो इंटीरियर के बारे में पूछना बाकी कोई क्वेश्चन रह जाएगा ना, किसी का भी रह जाएगा तो मैं कमेंट नंबर दे दे रहा हूँ, आप मॉर्निंग में मुझे चाहे जब कॉल कर लेना। ठीक है ठीक। वैसे मैंने बैच वैसे ज्वाइन कर ली है 5 जून ओके ओके चलेगा, तो कोई वाली। अच्छी बात मिलेगी मिलेगा पर ठीक है चलेगा। आप ठीक गजानन आप पूछ ले दोस्त, गजानन आप पूछ लीजिए गाइस, जब तक किसी का डाउट बच जाएगा तब तक मैं क्लास में रहूंगा, उसका टेंशन नहीं है। बोलो गजानन, गजानन आपका माइक ऑन करो, फटाफट पूछ लो भाई। ठीक है अभी इनको शायद समय लग सकता है, साहिल का क्वेश्चन आ गया है, साहिल कुछ बोलना चाह रहे हैं। बीआईएम हाँ बोलो बोलो गजानन बोलो हाँ आप। सर, बीआईएम में बीआईएम में सर, बीआईएम में ऑटोकैड आना जरूरी है क्या? यस, ऑटोकैड आना जरूरी है क्या? बिना ऑटोकैड के आप बाकी सॉफ्टवेयर सक्सेस चला ही नहीं पाओगे। ऑटोकैड से हाथ सेट होता है, और हाथ सेट नहीं रहेगा तो आप सॉफ्टवेयर आगे के चला ही नहीं पाओगे सही से। ठीक है अगर आप चला लेते हो तो मच बेटर, बट चला नहीं पाओगे। जिसका माउस पर हाथ नहीं सेट रहता है, रेबिट पर हाथ सेट करना थोड़ा टफ होता है, और ऑटोकैड पर आसान होता है। ठीक है चलेगा ओके। ठीक स्वरूप राय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, इसके बाद साहिल के क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ साहिल पूछना चाह रहे हैं या स्वरूप बोलिए आप। सिस्टम रिक्वायरमेंट रहती है इसमें। साहिल एक बार क्वेश्चन कमेंट कर देंगे दोस्त, क्योंकि सारे चैट चले गए हैं अभी नेट चाहने की वजह से, अभी न्यू चैट केवल 3 दिख रहे हैं। एक तो है कि सर क्या क्रिएटिविटी प्रैक्टिस से आ जाएगी, 100% क्रिएटिविटी प्रैक्टिस से ही आती है विष्णु, मेरा यही मानना है क्योंकि मैंने यही देखा हुआ है। एंड सर आई एम ओके कंप्लीट बैम, बट वाट अबाउट टेक्ला बेस्ट फ्यूचर सर। टेक्ला एक्चुअली अपना साथ में जो चलता है, इधर अलग से कोई हम लोग का क्लासेस नहीं चलते धनंजय, और उसका वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा, अदरवाइज बीम पूरा का पूरा एक साथ रहता है। ठीक है और इसके बाद है यहाँ पर साहिल का क्वेश्चन, इनका सिस्टम रिक्वायरमेंट है 8 GB RAM 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, 8 GB RAM 4 GB ग्राफिक्स कार्ड आपका क्या बोलते हेलो हैं सर। और उसमें रिक्वायर्ड होता है। हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ सर, हाँ सर बोलो ना। हाँ सर, मैं 1.5 साल से मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, बीम एज ए जी हाँ मॉडल। हाँ तो सर मेरा दिक्कत हो रहा है कि इंटरव्यू के लिए ना, मैं कुछ सॉफ्ट ड्रॉइंग कर रहा हूँ, तो फैमिली मेरा जो कंपनी है वो सब कुछ कर रहा है, फैमिली बना रहा है, फिर बीओक्यू भी कर रहा है, फिर मॉडलिंग भी कर रहा है। तो मेरा दिक्कत है कि जो अभी 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 जब करंट सिचुएशन में मेरा जो है स्कैन टू बीम में काम कर रहा है, ठीक है, बट लेकिन मेरा फैमिली जो कॉन्सेप्ट है ना, फैमिली क्रिएट का, उसका कुछ कॉन्सेप्ट मैं भूल गया। इसका मुझे दिक्कत हो रहा है कि जब मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो फैमिली कुछ बना पा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ज़रा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। इसलिए इवन मैं बीओक्यू भी कुछ काम किया है, वो शायद 2023 दिसंबर में बीओक्यू में एक इंटरव्यू में दिया हूँ, तो कुछ क्वेश्चन में नहीं पाया, नहीं आंसर दे नहीं पाया, तो यही मैं दिक्कत हो रहा था इंटरव्यू ओके में। जब मैं काम कर चुका हूँ इसमें, मेरे पे नॉलेज है, लेकिन वो रनिंग के वजह से नहीं, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसली नहीं हो रहा, तो मेरे इंटरव्यू छूट में जाता है, नहीं पा थोड़ा सा रहा। परफॉर्म नहीं हो पाता हाँ है। देखो हाँ, ओके देखो तो कैसे रिकवरी नहीं। ओके बता देता हूँ रोए, जितेंद्र अपनी स्क्रीन ऑफ कर देना भाई, आपका प्रेजेंट स्क्रीन हो गया है, आपका स्क्रीन दिख रहा है जितेंद्र, आपका स्क्रीन शेयर हो गया है, उसको ऑफ कर दो दोस्त। ठीक है हाँ हेलो, हाँ स्टॉप कर दो। हाँ सर अब हाँ सर जितेंद्र हाँ जितेंद्र का पूछ रहा हूँ, एक्चुअली इनका स्क्रीन शेयर हो गया है, मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो शायद इनसे गलती से हुआ होगा मे बी। ओके हाँ बंद, ठीक है। रिमूव हो जाएगा तो इससे, नहीं चलो जाने देखेंगे क्या हुआ।
तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है रैबिट फैमिली जिसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, इसमें तो प्रैक्टिस करना ही करना है। पैरामेट्रिक में हर तरीके की पहले फुटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉलम बीम फुटिंग स्लैब इसकी प्रैक्टिस, और नॉन पैरामेट्रिक में आप चाहो तो चेयर टेबल ये सारी चीज़ों का कर सकते हो बेसिक लेवल पे, तो ये सब इसे क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक ज़्यादा टफ तो होता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, सिस्टम पैरामीटर के बारे में, ग्लोबल पैरा क्योंकि इंटरव्यू पूछ रहे होंगे आपसे रॉय, ठीक है, सिस्टम पैरामीटर हाँ ग्लोबल पैरामीटर्स के बारे में पूछ रहे होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ वर्कसेट के बारे में पूछ रहे होंगे इंटरव्यू में आपसे, अगर इंटरव्यू आप जेड सारे दिए होंगे, वर्कसेट के बारे में पूछ रहे होंगे कि कैसे सेंट्रल फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इन थोड़ी छोटी चीजें हैं जिन पर अगर आप वर्क कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और रही बात की क्या जी, बोलते मेरे हैं आप, को टूल टेस्ट दिया है, हाँ मेरे को फाइल पीडीएफ दे दिया है, तो टाइमिंग सेट कर दिया उसमें बनाना पड़ेगा, तो मैं टाइमिंग से नहीं कर पाया तो हाँ उस वजह से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मेरे मैं मैंने बना भी कर दिया लेकिन समझ बहुत गया, सारा टाइम मैंने मेरे भी एक्चुअली ऐसे एक इंटरव्यू हुआ था बहुत पहले जब मैं जॉब कर रहा था, तो उसमें ऐसा था कि उन्होंने मैट फुटिंग दिया हुआ था बनाने के लिए, ओ सॉरी ये पाइल फुटिंग, ठीक है, और उसका भी सेक्शन कट करके मुझे कंफ्यूज किया था, और उसमें 20 मिनट्स दिया हुआ था, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ इंटरव्यू में आपको जब मैं यहाँ पर अपना क्लास चलाता हूँ, इसमें 15 डेज पर जब आप टेस्ट देते हैं उसका एक टाइम होता है, इसी समय पर सबमिट करना है, तो इसका मेन रीज़न यही है कि आपका इस समय वाली चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस समय के लिए ही इसको करते हैं, और इसकी प्रैक्टिस की केवल एक सलूशन है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस तो खुद दोस्त करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन सर बोल रहा हूँ कि सर बोलो, और एक मैसेज हाँ बोल रहे बोलो बोलो सर, इस कोर्स में अब जून के स्टार्ट कर रहे हैं ना, करेक्ट जून में, हाँ हाँ सर, मेरा दिक्कत है कि जून में एक एग्जाम है सेमिस्टर में चल रहा है लास्ट ईयर, तो उस वजह से मैं जुलाई जुलाई से और जुलाई के बाद कुछ जुलाई से इस टाइप कर लो, कोर्स चल जुलाई रहे में हैं। है, जुलाई में है एक बैच है, जुलाई में एक बैच है, जुलाई के बाद बैच नहीं है, ठीक है, जुलाई में बैच है, जुलाई के बाद थोड़ा सा लंबा गैप रहेगा, जुलाई में है बैच है, ठीक है, क्योंकि वैसे एक्चुअली जुलाई में सर यही सारे हाँ टॉपिक कर देंगे ना कोर्स ये सारे टॉपिक में। करेंगे, टॉपिक तो वही रहता है अपना, ठीक है, अपनी बैचेस हाँ सर, ऑलरेडी मेरे मैंने जो फेस किया है ना इंटरव्यू में, फैमिली क्रिएट मतलब इंटरव्यू कितनी चाहिए, आधा घंटा के लिए रहता है वो और एक हाँ घंटे के लिए, उसमें ना टूल टेस्ट के लिए मेरा फैमिली ज्यादा फेस करने को मिला है इंटरव्यू। फैमिली सबसे ज्यादा पूछते हैं, इसीलिए रैबिट के जितने टेस्ट होते हाँ हैं उसमें मैं खुद भी केवल फैमिली को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि फैमिली ही टफ है उसकी, ठीक है, हाँ सर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है फैमिली। यस ठीक है चलेगा, एक क्वेश्चन इनका ले लेता हूँ भाई, स्कैन टू बीम की भी फाइल चाहिए सर थैंक यू अभी, सर, ओके ओके ठीक है, अभी मैंने साहिल क्या बोलते हैं स्कैन टू बीम की फाइल ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी फाइल है, अगर आप मेल आईडी शेयर करेंगे तो मैं शेयर करवा सकता हूँ आपको, तो स्कैन टू बीम भी अभी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है एक प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं क्योंकि बहुत टाइम टेकन होता है वो, और अपना कोर्स भी 4 महीने में ख़त्म करना है गाइस, तो संभव उतना ही कर सकते हैं जितना संभव हो सकता है। और एक क्वेश्चन इनका है, सिविल 3D और माइक्रोस्टेशन का क्या काम आता है सर, सिविल 3D का जो बेसिकली काम होता है वो सर्वेइंग के पॉइंट्स को मैच करने के लिए लैंडस्केपिंग वगैरह के लिए हेल्प करता है, और माइक्रोस्टेशन ऑटोकैड और रेविट का मिक्सअप है जिसमें प्लानिंग और मॉडलिंग दोनों कर सकते हैं सुब्रता, तो अभी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको भी ऐड कर दिया है जिससे कि आपका इंटरव्यू रुकना नहीं चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, डेप्थ में जाने के लिए 3 ही सॉफ्टवेयर हैं जो है क्लियर रहना चाहिए आपको, रेविट टेक्ला और क्या बोलते हैं नेविसवर, क्यों, क्योंकि जॉब ही नहीं पलगती है उसमें, जितना इंटरव्यू पूछेंगे उतना मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। और व्हाट अबाउट सर 2D, 2D से लेके 8D तक रहता है, 7D तक नहीं प्रदीप, क्योंकि 8D तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं 8D तक आपको ट्रेंड कर रहा हूँ, ठीक। और कोर्स होने के बाद सर कंपनी में जॉब रोल क्या होता है, जॉब रोल में आपका बीम मॉडलर हो सकता है, बीम टेक्नीशियन हो सकता है, और क्या बोलते हैं बीम आर्किटेक्ट हो सकता है, नहीं तो फिर बीम इंजीनियर हो सकता है, ये 4 रोल हो सकती है आफ्टर ट्रेनिंग, नहीं हम तो ट्रेनिंग के साथ ही सपोर्ट करते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग भी आप ग्रुप में हमारे ऐड रहते हो एलुमनी ग्रुप में, और सिर्फ मैं नहीं अपने सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अशरफ सर, ये फौजी बी एम बोल थ्री बोल सिक्सटी और बी एम स्कैन टू बीम और क्या टेक्ला, ये क्या रहता सर? टेक्ला एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिटेलिंग करता है, जैसे कॉलम ये तुमने देखा होगा ऑटोकैड पे डिटेलिंग देखा है, तो जैसे जी हाँ सर, जो ऑटोकैड पे डिटेलिंग तो 2D डिटेलिंग जाती है ना, उसी चीज को 3D में देखना, उसी चीज को 3D में देखना, उसको बोलते हैं 3D डिटेलिंग जो कि टेक्ला करता है, ठीक है। रेवी स्ट्रक्चर टेक्ला स्ट्रक्चर का काम एक ही होता है, 3D डिटेलिंग करना,
ठीक है। और तुमने एक पूछा माइक्रो, दूसरा क्या पूछा, वो सिविल थ्री डी, इसके BM 360। हेलो सर, एक एक मिनट सर, आप क्लियर को क्लियर कर दो फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ दोस्त। तो हाँ, ख्वाजा मोहिद्दीन आपने पूछा BM 360, तो BM 360 का काम क्या होता है, आप अपने घर से काम कर रहे हो, मैं अपने घर से काम करूँ, तो सर्वर कैसे कनेक्ट हो, ठीक है, और एक ही जगह पर सभी लोग, जैसे कि आपको काम दिया मैंने आर्किटेक्चर का, अशरफ काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, साहिल काम कर रहे हैं MEP का, तो आप लोग अपने अपने घर से काम कर रहे हो, मैं एक मैनेजर हूँ बीम मैनेजर के तौर पे, मैं BM 360 के थ्रू आप सभी को कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। आप जो भी वर्क करोगे उस वर्क को मैं यहाँ पर कोलेबरेट करके देखता रहूंगा, क्या क्या काम कर रहे हो, कितना कितना काम कर रहे हो, और क्या काम गलत कर रहे हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वहाँ पर कई ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन करने का, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जितेंद्र बोल रहे सर ज्वाइन मी प्लीज, आप ऑलरेडी ज्वाइन है दोस्त। स्कैन टू बीम क्या है सर? स्कैन टू बीम मतलब होता है कि देखो, एक तो कैट टू बीम, एक होता है स्कैन टू बीम। स्कैन टू बीम का मतलब होता है जो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स है, जैसे कि ये ताजमहल है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, ताजमहल के सारे डाटा को एक क्या बोलते हैं लेजर स्कैनर को रीड करके उस डाटा को 3D में क्रिएट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैन टू बीम। ओल्ड बिल्डिंग्स को, जैसे कोई बहुत फेमस मंदिर है, कोई फेमस चर्च है, कोई फेमस मस्जिद है, उन सब के डाटा को लेजर स्कैनर के थ्रू कनेक्ट करना, उसको ले आके फिर रेबिट पे मॉडलिंग करना, उसको बोलते हैं स्कैन टू बीम। और कैट टू बीएम का मतलब होता है आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें कौन कौन सी बिल्डिंग बनेंगी उनकी मॉडलिंग को करना, ये पास्ट है वो फ्यूचर है। तो इसको सीखना बहुत हार्ड है सर, या इजी है, कुछ सीख ले नहीं सकते? है कुछ नहीं, मॉडलिंग ही तो है ना, मॉडलिंग हार्ड कैसे हो सकती है, मॉडलिंग में प्रैक्टिस लगता है, माउस की सेटिंग बस। जी सर ठीक है, चलेगा। हाँ अशरफ आप बोल दीजिए दोस्त। सर मैं बेसिकली मैं पास आउट होऊंगा 2025 में, तो फ्रेशर के लिए पहले ये डिजाइनिंग कोर्स करना चाहिए या एक्सपीरियंस लेना चाहिए? देखो फ्रेशर्स मतलब बीम में एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्सपीरियंस लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन आप साइट पर अगर चले गए तो फिर आपको 10 जगह सफाई देना पड़ेगा मैं आया क्यों, ठीक है जी सर। सबसे अच्छा होता है कि आप बीम से एंट्री करो, ठीक है, कोई सर बीम से एंट्री स्ट्रक्चरल से? नहीं नहीं सबसे अच्छा एंट्री है बीम की, स्ट्रक्चर की एंट्री में पैसा नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसे बिल्कुल नहीं है, कुछ कंपनियां हैं जो पैसे अच्छे देती हैं, अदरवाइज बहुत कम कंपनियां देती हैं जी, ठीक है, तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू सर डिप्लोमा की बात होती है क्या? क्या बोल रहे थे सादिक आप? डिप्लोमा के बाद बीम कोर्स करने के बाद हायरिंग होती है क्या? डिप्लोमा के लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल और पहली प्रोफाइल यही बीम होती है, बीम मॉड्यूलर की मिनिमम एलिजिबिलिटी डिप्लोमा है। और सर यस यस सर बोलिए सर, बीम का कोर्स मतलब कब ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे अभी मैं 6th सेमेस्टर चल रहा है, तो 7th या 8th में? 7th में करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, 8th में तो भी चल जाएगा जी सर, 6th में नहीं करना चाहिए, 6th में करोगे तो कैसे, हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं, इंटरव्यू को कैसे जाओगे, है ना, तो फायदा नहीं होगा, तो 7th या 8th में करो तो बेटर रहेगा जी सर। थैंक यू सर। ओके जी, हां जी सर। हाँ गजानन थोड़ा सा रुक जा दोस्त, अभी एक एक करके सबके ले लो दोस्त, बुरा मत मानना लेकिन सबके क्वेश्चन जरूरी है ना। गणेश अपना क्वेश्चन पूछ लो, गणेश अपना क्वेश्चन पूछ लो दोस्त। सर बीएम स्ट्रक्चर में जो बीएम रिवेट स्ट्रक्चर करते हैं तो वहाँ पे स्टील का मतलब एनालिसिस होता है या कुछ एक कैलकुलेशन पर? डिटेलिंग होती है, कनेक्शन की डिटेलिंग, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, बीम इज ऑल अबाउट डिटेलिंग्स। स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अलग होता है जो स्टेट प्रो रिटेप पर एनालिसिस करता है, यहाँ पर एनालिसिस का कोई काम नहीं है। मतलब सर उन्होंने दिया हुआ डाटा को सिर्फ हम यूज करके मॉडलिंग करना है? यस, मॉडलिंग और डिटेलिंग्स करना है। डिटेलिंग्स करना है, यस सर। एमईपी में अगर हो गया तो हमारा एमईपी में जो होता है तो प्लम्बिंग पे ही सिर्फ वर्क होता है या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग तीनों पे वर्क करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है, बट उसके लिए आपकी प्रोफाइल सुटेबल नहीं होती है, मींस आपको आना चाहिए, क्योंकि आप मॉडलिंग जब करोगे ना आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की, तो अगर एमईपी का नॉलेज नहीं है तो आप गलत मॉडलिंग करने लगोगे, है ना। लेकिन जो कंपनीज के अंदर जाओगे एमएनसीज में, तो वहाँ पर मैकेनिकल वर्क के लिए मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा। इवन आपकी बैच में भी ऑलरेडी कुछ बच्चे मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, तो वो उस लिए ठीक है, okay, आप भी कर सकते हो, इसलिए आपको भी सिखा दिया जाता है। सर अगर बीआईएम कंप्लीट होने के बाद रिविट आर्किटेक्चर से आगे जाना चाहिए या रिविट स्ट्रक्चर से जाना चाहिए, कौन सा प्रोफाइल अच्छा रहेगा सर? मतलब दोनों सीखना चाहिए, दोनों सीखने के बाद इंटरेस्ट महसूस करना चाहिए किसमें इंटरेस्ट मेरा ज्यादा है, ठीक है, वो आ जाता है आइडिया जब प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको मजा आने लगता है कि यार ये वाले में मैं ज्यादा अच्छा था,
और जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा, इसलिए मैं दोनों सिखाता हूँ कि आप खुद को जज कर लो कि मैं कहाँ पर अच्छा महसूस करूँ, उसी में करियर बनाओ। और करियर वाइज दोनों ही अच्छे हैं, बस बेस्ट होना चाहिए आपको। ओके सर, ऑटोकैड कंपलसरी है क्या सर? मतलब करना ही चाहिए मतलब मॉड कैसा होता है इधर कि अगर माउस पर प्रैक्टिस नहीं है ना तो डिटेलिंग बेहतर हो नहीं पाता। नहीं सर, मतलब कंपलसरी तो नहीं है, जब हायरिंग होने के बाद फ्लोर पे या कंपनी में जाने के बाद ऑटोकैड का कुछ काम होता है क्या? मॉडलिंग कोई काम नहीं होता, कैड बनी हुई फाइल आएगी, बस उसको इम्पोर्ट करना होता है। तो ऑटोकैड का कोई काम नहीं है, इवन इंटरव्यू में ऑटोकैड का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मतलब सर सभी फाइल्स जो इंपोर्ट होके ही आएंगे ऑटोकैड रिविट रिविट आर्किटेक्चर में कुछ अपना क्रिएट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फाइल से ही मतलब करना पड़ेगा? ज्यादा तो कैट, अगर कैट टू बीआईएम पे काम कर रहे हो तो सारा कैट का बना हुआ आएगा, बट अभी कुछ कंपनियां हैं जो कि ऑटोकैड के अंदर ही प्लानिंग कर रही हैं, तो वहां पर सारा काम रेविट से, सॉरी रेविट पे ही सारी प्लानिंग कर रही है, तो रेविट से ही उनका सारा काम स्टार्ट हो रहा है। ओके सर, चलेगा सर, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम। एक क्वेश्चन बहुत देर से मोहम्मद थाला पूछना चाह रहे हैं, यस प्लीज आप पूछ लीजिए, फिर गजानन का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सुब्रता भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, थैंक यू वेट करने के लिए गाइस। मैं एक एक करके क्वेश्चन ले सकता हूँ। हाँ जी थाला जी, बताइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है साइट का, नाउ मैंने अभी ऑटोकैड एंड रेविट सीख ली है। मेरा ये 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बीम में काउंट होंगे या एज ए फ्रेशर में माना जाऊंगा? क्योंकि मुझे एज ए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो मुझे बिल्डिंग नॉर्म्स वगैरह जितने भी ये चीजें पता है। पता है, देखो इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस दो तरीके के होते हैं, मैं भी पीछे कैसे मैंने बताया भी, एक होता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक होता है वर्किंग एक्सपीरियंस। नो डाउट आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो काउंट होगा ही होगा क्योंकि आप एकेडमिक तौर से तो आ ही रहे हैं ना जॉब करते हुए, राइट। वर्किंग एक्सपीरियंस कंपनीज जानबूझ के डिनाई करती है, क्यों डिनाई करती है? उनको पैकेज कम देना पड़ेगा ना, ठीक है। okay. तो तुम्हें वो आपको बार बार ये एहसास दिलाएंगे कि यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट द करियर, और आपको बार yeah, बार right, right. और बार बार आपको ट्रेंड उनको क्या करना है, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा ही डोमेन है, एक एक इंडस्ट्री को मतलब अपने ही डोमेन के अंदर एक जगह गया सीखा, नाउ आई एम जस्ट वांट टू लर्न दिस वन आल्सो, ठीक है। बट इन okay. जो कंपनी होती है बार बार फोर्स यही करेगी, यू आर व्हाई वुड ट्राइंग टू स्विच द करियर, अरे भैया स्विच कहाँ कर रहे हैं, बिल्डिंग वहां बनानी थी, बिल्डिंग यहाँ बना रहा हूँ ना, बनानी, सही बात है, ठीक है। ये ढक्कन बनाती है कंपनियां, तो उनको अपने तरीके से डील करना पड़ता है, और डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आई वॉज देयर फॉर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई लर्न हाउ टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, नाउ आई जस्ट वांट द सेम थिंग ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब ये बोलोगे तो डिनाई कैसे करेंगी, अगर करेंगे तो बेवकूफ है, ठीक है। अब अगर सामने वाला आ जाएगा तो बोल देगा भैया क्या बात कर रहे हो, वही तो कर रहा हूँ ना। मैंने एक दो जगह इंटरव्यू भी दिए थे, सिलेक्शन हो नहीं रहे मेरे। मैंने पोर्टफोलियो भी बनाए हैं, रिज्यूमे भी बनाए हैं, एक बार सर आप पे मुझे गाइड कर देते बिल्कुल अपने बेसिक पे, तो वो कैसे होगा सर? आप मुझे भेज दो अपने पोर्टफोलियो को। सबसे पहले जरूरत क्या होती है ना, देखो पोर्टफोलियो में क्या हमने उन हर एक एंगल को चूज किया हुआ जो एंगल उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद क्या रिज्यूम हमारा उस तरीके से बना है जैसा रिज्यूम होना चाहिए। तो कैसे होता है कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम होना चाहिए ना। यस यस, अभी कुछ लोग, एक बच्चे का मैं रिज्यूम देख रहा था, उसके रिज्यूम में वो सर्च कर रहा है जॉब, क्या बोलते हैं, बीम के अंदर, ठीक है। उसके रिज्यूम में वो उसका पूरा प्रोफाइल में पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शायद उसको पता चल जाए कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके रिज्यूम में बीम के अलावा बाकी सब कुछ था, ठीक है, उसने बीम के कीवर्ड्स ही नहीं डाले हुए। अब ATS सॉफ्टवेयर में जब रिज्यूम को डालेंगे, गाइस जिसको नहीं पता है आपको बता दूं, जो MNCs होती हैं वो आपके रिज्यूम को पढ़ती नहीं है, क्योंकि कितने रिज्यूम पढ़ेंगे, हजारों में रिज्यूम आ रहे हैं, तो आपके रिज्यूम को डायरेक्ट वो डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके ATS नाम के सॉफ्टवेयर पर डाल देते हैं, वो स्कैन करके रैंकिंग कर देता है, ये सबसे बेस्ट है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, टॉप 20 रिज्यूमे को डाउनलोड कर लिया जाता है, बाकी फ्लैश कर दिया जाता है, तो आपके मैक्सिमम रिज्यूम फ्लैश हो जाते हैं अगर कीवर्ड्स नहीं है तो। तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, मैं इसलिए क्लासेस में दिखाता हूँ उसको कि देखिए कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग है, तो अगर आप कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग रिज्यूम अपना बनाएंगे, फिक्स है कि शॉर्ट लिस्ट होगा, और शॉर्ट लिस्टिंग बहुत आसान होती है, ठीक है। कैसे, मैंने खुद भी कैसे सीखा था, आपको थोड़ी सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था एक बार जॉब लेने के लिए, एक बहुत अच्छी एक ड्रीम कंपनी में, और मेरा सिलेक्शन, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग ही ना हो, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात हो गई। मेरा एक दोस्त था, उसने देख लिया कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और क्या बोलते हैं, उसने मेरे से पूछ लिया, कंपनी में लोग छिपाते हैं, मैं भी छिपाया पहले, अब उसने प्रॉपर देख लिया, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख यार ऐसी कंडीशन है,
सैलरी बढ़ नहीं रही, मुझे इसी कंपनी में करना है, मेरी ड्रीम कंपनी में से एक है ये, उसे होना नहीं चाहिए ड्रीम किसी का। तो उसने बोला इसमें क्या है, जाके वहां पर इंटरव्यू। मैं कहा भाई शॉर्ट लिस्टिंग होगा तब तो इंटरव्यू होगा। उसने कहा अपना रिज्यूम दिखाओ। मैंने रिज्यूम दिखा, बोला कभी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। तब मैं फ्रेशर था, मुझे एटीएस वेटीएस तो बहुत दूर की बात है, शॉर्ट लिस्ट का कोई मेथड ही नहीं पता था। तो उसने अपने अपनी एक महिला मित्र को कॉल किया, जो कि उसकी अभी वाइफ है, पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसने उसको कॉल किया और कॉल करके क्या बोलते हैं उसको बोला कि यार ये मेरे दोस्त है, इसको इस कंपनी में उसकी शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए। तो उसने पूछा किस प्रोफाइल के लिए, तो वहाँ पर प्रोफाइल डाला उन्होंने, एक स्ट्रक्चर मॉड्यूलर की प्रोफाइल थी। तो उसने बोला भेजो रिज्यूम। तो उसने रिज्यूम देखा, फिर उसमें मेरे मेरे रिज्यूम से में से उसने केवल क्या लिया, मेरा नाम लिया, मेरी डिग्री लिया, बाकी सब मेरा डिलीट, ठीक है। और उसके बाद उसने एक फॉर्मेट प्लेन पेपर पर एकदम प्लेन, मैंने तो बड़ा उसमें फोटोशॉप जैसा, क्योंकि मुझे भी डिजाइन करने मजा आता है, तो मैंने खूब फोटो लगा के इसमें ग्राफ बना के, ये स्किल है इतनी परसेंट, ये स्किल को इतना स्टार, फालतू की सारी बकवास किया हुआ था। और उसने क्या किया, एक पेपर पे सिर्फ और सिर्फ गई naukri.com पे, उसने मुझे पहले नहीं पता था क्या क्या, उसने उसने जैसे अप्लाई किया 2 दिन के बाद मेरे पास मेल आ गया कि यू नीड टू कम्प्लीट दिस कैट टेस्ट, उसके बाद आप आ सकते हो इंटरव्यू में। हैरान, मैं कहा साला मैं 1 महीने से, 1 साल से मैं मेहनत करो, महीना नहीं 1 साल से मेहनत करो शॉर्ट लिस्टिंग, इसने किया क्या। तो फिर मेरे दोस्त को बोला, मैंने कहा क्या किया उसने, वो मुझे रिज्यूम चाहिए, ठीक है। मुझे उस रिज्यूम के लिए इंटरेस्टेड हो गया कि क्या उसने रिज्यूम में किया कि उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ गई। और जब रिज्यूम आया तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि रिज्यूम बहुत गंदा दिख रहा था मेरे सेंस से। मेरा सेंस तो वो था ना कि ग्राफ में ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, मेरे सेंस से एकदम गंदा दिख रहा। मैं कहा किया क्या उसने, तो उसने मुझे समझाया, कहा कि भाई तू फ्रेशर है तुझे नहीं पता है। उसने naukri.com पे जाके जॉब डिस्क्रिप्शन देखा कि एक स्ट्रक्चरल मॉड्यूलर को क्या क्या आना चाहिए, बस वही कॉपी पेस्ट यहाँ मार दिया कि उसको क्या पता क्या आना चाहिए। और वही जब कॉपी पेस्ट किया, उसने जब कंपनी में भेजा, कंपनी ने उसको डिडक्ट कर लिया, फटाफट आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो गई। वहां से मुझे सीखने को मिला एटीएस नाम की चीज, और उसने मुझे गाइड किया। अब मेरे पास ऐसा अभी करूंगा नहीं किसी का, बट बिलीव करो अगर मैं किसी के भी रिज्यूम एडिट कर दूं, उसके रिज्यूम की शॉर्ट लिस्टिंग पक्की है। लेकिन अगर मैं ठीक है। किसी एक का और करूंगा तो सबका करना पड़ेगा, इसलिए मैं किसी का नहीं करता। हाँ, मैंने आई थिंक आपको मैंने भेज रखा है, मैं फिर से एक बार मैं भेज दूंगा आपको, चलेगा। एक बार मेरा मेरा नंबर गाइड दूसरा है, कर दूंगा। मेरे नंबर दूसरा है, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, शायद मेरी टीम का नंबर आपके पास होगा, क्योंकि मैं अपना नंबर थोड़ा सा कम कर पाता हूँ, क्योंकि रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। देखो यार क्या होता है ना, अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मैं कम से कम 25-30 मैसेज होंगे, हाँ और तब तो रात को 11 बजे मैं क्या रिप्लाई करूंगा। मैं सुबह सो के उठूंगा, 7 बजे से क्लास है, तो थोड़ा लेट जाएगा रिप्लाई, बट ये मेरा नंबर है, इस पर आप करोगे तो मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर, ओके जी चलेगा। और थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। और सुब्रता जी, आपका क्वेश्चन है, बहुत देर से आपने इंतजार किया, इस पर धन्यवाद। सुब्रता, कोई क्वेश्चन बचा है आपका? अच्छा सुरेंद्र हाँ, बोलो बोलो। सर, इस महीने मेरा होगा नहीं, मैं सर जुलाई में ज्वाइन करूंगा, क्योंकि कोई दिक्कत मैं जॉब करता हूँ। सर बात किया था बैच ऑलरेडी फुल है, आपसे। पहले बता दूं बैच ऑलरेडी फुल है, ठीक है। हार्डली मुझे लगता है 3 या 4 ही एडमिशन होने वाले हैं, उसके बाद सबको मना ही करना है, ठीक है। तो आप अगर अगले बैच में करोगे मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ सर, बैच आपको फुल है, पोर्टफोलियो भी भेजा मेरा। ओके मेरा मेरा एक्चुअली 4 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ 2 साल का सर्वे में है और 2 साल का ड्राफ्टिंग में है। करेक्ट। अभी मेरा डिप्लोमा भी इस साल दो में साल कंप्लीट किसमें है, 2 साल कैसे स्टार्टिंग, 2 साल किसमें है, सर्वे में, सर्वे सर्वे में। ओके, और लास्ट सर्वे का 2 साल, सर्विंग में सीएस हाँ ऑटो लेवल समझ गया, डीजीपीएस, और लास्ट का तो 2 साल है उसमें आपका ना, ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग भी है, और मैंने मॉडलिंग आपको पोर्टफोलियो भेजा भी है और देखा भी है वो। और मे बी क्योंकि नेम से नेम मार्क हो रहा है तुरंत, सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या बोलते हैं, जरूर देखा होगा, अगर देखा तो उन्होंने रिप्लाई भी किया होगा, अगर देखा होगा तो, कि नहीं किया। हाँ, सर आप रिप्लाई किए हैं, प्रोफाइल देख के आपका अच्छा ही लगा। हाँ, गेस क्या होता है ना, देखो पोर्टफोलियो देखने के बाद अगर किसी का अच्छा रहता है तो मैं तो खुद ही खुशी हो जाता हूँ, मुझे अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो क्या है, आपकी मेहनत है ना, पोर्टफोलियो हाँ, रिप्रेजेंट उसके लिए करता है आप आपकी मेहनत। स्पेशल ऑफर भी दिया है हमको सर। अच्छा चलिए, हाँ बड़ी बात, तब पोर्टफोलियो बहुत देख अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ऑफर सबको बताओ मत दो, ठीक है हाँ लेकिन हो सकता है आपके फिर काम को देख के, मुझे देखो कैसा होता है, मेरी एक आदत है, अगर मैंने किसी काम को देख लिया और काम मुझे अच्छा लग गया तो मुझे लगता है कि इसकी हेल्प करनी चाहिए। देखो काम से सब किसी को, यार हार्डवर्क किसको अच्छा नहीं लगता है ना, तो हो हाँ सकता है आपका हार्डवर्क मैंने देखा हो, मुझे याद नहीं। थैंक यू, लेकिन सर मेरा डिप्लोमा अभी कंप्लीट हो रहा है, मतलब 1 महीने और लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं बता दूंगा आपको, इसकी इसकी तरफ से मैं तो फ्रेशर हूँ, लेकिन क्या ये एक्सपीरियंस काम में आएगा ये?
बिल्कुल आएगा एक्सपीरियंस काउंट में, क्योंकि काम तो पोर्टफोलियो में दिख रहा है ना दोस्त, हाँ ठीक है। पोर्टफोलियो में जब दिखता है तो काम अपने आप यूज में आता है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस दिख रहा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा, बस ये होगा, क्योंकि आपकी डिग्री चल रही है ना, डिप्लोमा जो भी चल रहा है, हाँ ठीक है। और आपका काम का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली वर्किंग एक्सपीरियंस आपका काउंट में आएगा, ठीक है। और टेंशन मत लो, अगले महीने में ही करो, क्योंकि इस महीने में ना बैच ऑलरेडी फुल है, मुझे हाँ लगता है 4-5 ही सीट होंगी, तो बेटर है कि आप उस महीने करो, और उस महीने के लिए भी 3-4 लोग ऑलरेडी बुक किए हुए हैं, तो आप उस महीने का ही कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? अब वो पूरा लंबा टास्क है, ठीक है। और इंटरव्यू को मैं आपको, अगर चाहिए होगा तो आप मुझे नेक्स्ट सैटरडे संडे को कॉल कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गाइड कर दूंगा, लेकिन सैटरडे संडे में ही करना, ठीक है। ठीक है, अगला महीने मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो तुरंत देख के ना तो याद आता है कि अच्छा इनका ये काम था, है ना। तो बार पोर्टफोलियो भेज कर सैटरडे को कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक, ओके जी। चलो गजानन, आपका कोई क्वेश्चन रह गया था, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब ज्यादा लोग नहीं है। तेजस का क्वेश्चन रह गया, और किसी का रह गया क्या गाइस? तेजस जी आप पूछ लीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आपको। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ कुछ बोल सर, मैंने परसों आपसे कॉल पे बात की थी। अच्छा, रिगार्डिंग बदर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे दिन में शिफ्ट होने का था, रिगार्डिंग मैंने बात की थी आपसे। अभी करंट में बी में जॉब कर रहे हो क्या? नहीं नहीं स्ट्रक्चर में। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, याद आ गया। आपका उस साथ 2 या 3 साल कुछ एक्सपीरियंस रहे ना स्ट्रक्चर में? नहीं 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 अभी जैन में ही जॉइन हुआ। अच्छा, ये तेजस मुंबई वाले हो तो तुम? हाँ हाँ जी 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 कल्याण जो ट्रेवलिंग करके जाते हो तो जी 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 ठीक है। एक लड़का और था उसका तो अभी याद आ गया, वो तुमने बोला था ना कि तुम सुबह निकल जाते हो 7:30 बजे और हाँ हाँ तो हाँ रात को 7:30-8 बजे का। मैंने मना भी किया कि ट्रेनिंग मत करना, क्यों? क्योंकि जी अपने जी ट्रेनिंग में मेहनत होती है, जी ठीक है, जी और वो मेहनत तुम अभी अभी केंद्र पे नहीं हो पाएगा। हाँ बोलो जी। तो मुझे पूछना ये था कि अभी आपकी जुलाई की बैच स्टार्ट होने वाली है, लेकिन मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 6 महीने मेरे कंप्लीट नहीं होंगे। हाँ, तो जुलाई के बाद आपकी कौन जुलाई सी के बैच? लास्ट में हो रहा है ना ब्रदर, और स्टार्टिंग में तो ऑटो कैट चलेगा 15-20 दिन तक, और 6 महीने तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम जनवरी में ज्वाइन किए थे जैसा मुझे तुमने बताया था ना, जनवरी, एक्चुअली 17 जनवरी का। 17 जनवरी को, तो 17 जुलाई के आसपास तो हो जाएगा ना 6 महीना, हाँ और जुलाई के लास्ट तक तो ऑटो कैट ही चलता रहेगा, ओके ओके मतलब ठीक है, तब तक ज्वाइन कर लेना, इतना तो मैनेज हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग रहेगी जी, ना? और कुछ ओके भी नहीं रिकॉर्डिंग रहे, रहेगी। कुछ भी नहीं आएगा ना, तो देखो ऐसा नहीं कि अपने उसमें है कि आप पुराना पूछ रहे हो तो मैं क्यों बताऊं, ऐसा कुछ नहीं यार, अपन मैं तुम्हारे बड़े भाई के जैसा हूँ, कुछ भी पूछो क्लास में, आप पुराना भी पूछते हो मैं बताता हूँ, सबको बताता हूँ, ठीक है। जी तो मैं जी ये नहीं बोलूँ बिल्कुल कि केवल आपके लिए कर रहा हूँ, मैं जितने बच्चे आते हैं, देखो यार कोई अगर मेहनत करके आ रहा है ना, और मैं क्या सोचता हूँ, देखो मेरा क्या थॉट रहता है, आपने 6 घंटा लगा के प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, और कहीं फंस रहे हैं तो मेरी भी बनती है ना कि आपने 6 घंटा मेहनत किया तो कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए ना, जी जी इसलिए मैं आपके डेली, मेरी आदत है कि मैं क्लास के अंदर डेली फाइल चेक करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उस 4 घंटे में प्रैक्टिस कैसे आदमी ने बैठ के, इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पर 4 बार नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, रील्स अलग से दुनिया में चल रही है, उस बीच में अगर आपने 4 घंटा प्रैक्टिस किया है तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं सब के प्रोजेक्ट को जी एक एक करके चेक करता हूँ, ठीक है। और क्या सर, बोलते हैं, एक क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। और बीएम में इंडस्ट्री में ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है, तो सब कंपनीज में ऐसा है कि नहीं, सब में नहीं है वर्क फ्रॉम होम, सब में नहीं है, जो एमएनसीज हैं जो कि जिनके प्रोजेक्ट बाहर से आते हैं उन्हीं के लिए एलिजिबिलिटी है, और वो भी फ्रेशर को नहीं, कम से कम 1 साल तो एक्सपीरियंस लगता है उसके बाद, ओके ओके ठीक है, चलेगा। सर हाँ गजानन, आप बोलो, आप जितने क्वेश्चन है सब पूछ लो। सर हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, आपने वो रिज्यूम के बारे में बताया था, मेरा रिज्यूम में सिलेक्ट नहीं हो रहा है Naukri.com पे। नौकरी पे होगा भी नहीं, नौकरी से चक्कर में मत पड़ो, Naukri.com, Sign.com सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए है, जो फोन करके बोलेंगे 500 रुपये दे दो, ठीक है, और आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करा देता हूँ, ऐसे कॉल तो आते होंगे। Naukri.com सर, Naukri.com से नहीं होगा क्या? ठीक है, नौकरी, आपने अप्लाई किसको किया, आपको लगता है आपने कंपनी को किया, आपने अप्लाई Naukri.com को किया हुआ है, ठीक है। हम Naukri.com डिसाइड करेगी कि आपके रिज्यूमे को आगे भेजना है कि नहीं भेजना है, तो सर कहाँ पे ट्राई करना होगा? ठीक है। सबसे बेटर मेथड होता है HR के मेल आईडी, डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक
ठीक है, एचआर के मेल आईडी को सर्च करो, ठीक है, एचआर के मेल आईडी लिंक्डइन के थ्रू मिल सकता है। सपोज सपोज तुमने देखा कि रैमबॉल में ओपनिंग चल रही है, ठीक है, अब उनके वेबसाइट पर गए, वहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन है, फट से करो, बट वहाँ एचआर का मेल आईडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप तुरंत आओ लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पर रैमबॉल सर्च करो, सारे लोग आ जाएंगे, रैमबॉल के जितने लोग होंगे सबको कनेक्ट भेजो, सिंपल सा क्या कि सर देर इज ओपनिंग इन योर कंपनी, कैन यू शेयर द एचआर मेल आईडीज विद अस, ठीक है, एक नहीं रिप्लाई करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, कोई ना कोई तो कर ही देगा, ठीक है। और ज़्यादातर कंपनियों के मेल आईडी कैसे रहते हैं, HR@rambol.com, ठीक है, तो आप गेस भी कर सकते हो, मैं बच्चों को टेक्निक सिखाता हूँ दो तीन अलग अलग। और दूसरी चीज़, कंपनी के एम्प्लॉई ऑलरेडी हेल्प कर देते हैं कि हाँ भाई ये मेल आईडी है। तीसरी चीज़, लिंक्डइन के थ्रू करो, ठीक है, ये भी बहुत इफेक्टिव मेथड होता है, तो लिंक्डइन के थ्रू करो, बट नौकरी और इन सब के भरोसे रहो ही मत, ये तो समझ लो कि बहुत रेयर केस में, क्योंकि क्या होता है देखो, आप सपोज मैंने ओपनिंग निकाला, अब 100 लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब नौकरी डॉट कॉम मेरे से मांग रहा है कि 100 लोगों के का अगर रिज्यूम आपको चाहिए तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैं कहा भाई मैं काहे इतना रिस्क लूँ, मुझे 20 रिज्यूमे दे दो, लो भाई पाँचवा हिस्सा पैसे ले लो। अब उन्होंने पाँचवा हिस्सा ले लिया, मुझे दे दिया, मेरा काम सस्ते में हो गया ना, तो फिर मैं आपके रिज्यूम को देखा ही नहीं, क्योंकि आपका रिज्यूम तो 20 के बाद था। अब बहुत लकी है तो 20 में आए, नहीं तो गए, ठीक है, ये होता है। सर मैं कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करने के लिए एचआर की मेल आईडी सर्च करो, एचआर की मेल आईडी अगर नहीं मिल रही तो कंपनी के वेबसाइट पर जाके वहां पर अप्लाई करो, और लिंक्डइन पर उस कंपनी के लोगों से डिस्कस करो कि एचआर की मेल आईडी दे सकते हैं क्या, या फिर मेरे रिज्यूम को शेयर कर सकते हैं क्या, ये राइट। सर आप बीआईएम का प्लेसमेंट करवाते हो? कराते जी, उसके लिए हमारी एचआर टीम होती है, हमारी खुद की एचआर टीम है, वो उस कंपनी के एचआर से बात करेगी, और बात करके फिर वहाँ पर बात करेगी कि सर और मैडम मेरे पास इतने रिज्यूमे हैं आप ले लीजिए, तो हमारे पास से रिज्यूमे जाते हैं उनके पास, और जिन जिन रिज्यूमे को हम भी फिल्टर कर देते हैं। कैसे, तुमने रिज्यूम भेजा ना, मुझे भेजे हो ना, तो मैं डिसाइड करूँगा कि किसको जाना है, तो मैं देखता हूँ कि उस रिज्यूमे में किसके रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट या फिर उस प्रोफाइल के लिए सही है, अगर प्रोफाइल के लिए मैच नहीं कर रहे तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, फिर मैं बची हुई रिज्यूमे को आगे भेजूंगा। तो अगर आप मुझे अप्लाई करो तो ये मत सोचो कि कंपनी को चला गया, सॉलिस्टिंग आ जाएगी, नहीं, भले मैं देखूंगा कि मेरे भी तो रेपुटेशन खराब होगा ना अगर मैं खराब रिज्यूमे भेज दूंगा तो, ठीक है, अगर मेरे को वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि डिप्लोमा होना चाहिए, मैं आईटीआई वाला रिज्यूम भेज रहा हूँ, दूसरी बार वो हमें ही ब्लॉक कर देंगे, तो चीज़ें ऐसे तरीके से काम करती है, समझ आ गया गजानन? और ऐसा भी नहीं कि हम कोई जॉब की गारंटी लेते हैं, हम कोई जॉब की गारंटी नहीं लेते, मेहनत की गारंटी लेते हैं, ठीक है, अगर आपने मेहनत किया तो इसमें कोई दो राय नहीं, 90% के ऊपर आप हमें अटेंडेंस दे दीजिए, 90% के ऊपर आप टास्क कंप्लीट करके दे दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। आप जॉबलेस रह ही नहीं सकते हैं, मैं क्या करूँगा, आप कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जहाँ जाओगे वहाँ सिलेक्शन होगा, ठीक है, चलो ओके। प्रदीप जाधव जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस जाधव जी बोलिए। सर ये अपने 2D 3D तो ओके बराबर, जो पैम्पलेट था अपना, फिर 4D 5D 6D 7D 8D वो क्या है, एक बार जरा एक्सप्लेन करिए ना। देखो मतलब क्या होता है, 2D तो पता ही होगा आपको, 3D पता ही है ना, 4D मतलब होता है कि किस समय पर कितना टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पर कि पहले फुटिंग आया, फुटिंग के ऊपर बेस प्लेट आई, फिर ऊपर कंस्ट्रक्शन, देखा है ऐसे वीडियो, ठीक है, फिर आया, फिर आया, तो इसको मंथ वाइज कितना कब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी रेरा के अकॉर्डिंग डेटा पोजिशन देना पड़ता है ना, तो उसको एनिमेट किया जाता है कि जनवरी में इतना हो जाएगा, फरवरी में इतना हो जाएगा, मार्च में इतना हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और 5D का मतलब होता है कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या रहता है, कॉस्ट एस्टिमेशन में मतलब कि आपको उसके अंदर दिखाना रहता है चीज़ों को कि किस महीने में कितने प्रोजेक्ट की पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कभी बैंक भी कैसे करता है, लोन आपको स्टेप वाइज देता है, आपको कब कितनी ज़रूरत है तब आप उतना लीजिए, ठीक है, ऐसे बैंक गारंटी नहीं दे देता कि आप 10 करोड़ लोन बनाओ, नहीं, स्टेप वाइज लोन, ठीक है। तो उसके लिए आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि जनवरी में मुझे कितने करोड़ की जरूरत होगी, फरवरी में कितने करोड़ की जरूरत होगी, मार्च में कितने करोड़, उसके हिसाब से बैंक आपको एस्टिमेट करके देता है। तो आपको पता रहता है कि पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे एग्जैक्ट इतना अमाउंट लगेगा, इस महीने में इतना लगेगा, अब इतना सोर्स मैं यहाँ से जनरेट कर लूंगा, इतनी सेल्स हो जाएंगी वहां से कर लूंगा, वो अनकॉम्प्रोमाइटेड, ठीक है। तो वो चीज आपको 5D के अंदर करना पड़ता है। 6D के अंदर चेक करना पड़ता है सस्टेनेबिलिटी की, जो बिल्डिंग आप बना रहे हो, ठीक है, अब सपोज एक पूरा क्या बोलते हैं, एक छोटा सा मान लो कि टाउनशिप है, उसमें आपने एकदम पास पास घर बना दिए, अब सफोकेशन नहीं होगा उस घरों के अंदर, अगर उसके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो,
है ना। और अभी देख लो धूप हो रही है, धूप होने की वजह से अगर अगर कहीं पर ट्री नहीं है, आप बाहर निकलोगे फ्रेश ऑक्सीजन आएगा क्या आपके मुंह पे? नहीं आएगा, तो आपको सस्टेन करने में दिक्कत आएगी। प्लस जब क्राउड है, क्राउड का कुछ ऐसा भी तो होगा ना कि क्राउड गार्डन भी आके बैठना चाहेगा, इवनिंग में वॉक करना चाहेगा, तो उसके लिए भी एक जगह चाहिए होगा ना, लैंडस्केपिंग करना पड़ेगा कि ये गार्डन एरिया है यहाँ पर आप आ जाओ। तो 6G के अंदर सस्टेनेबिलिटी चेक करते हैं, उसके अलावा चेक करते हैं भाई आपको, सपोज अभी यहाँ पर मैं हूँ, लाइट चली गई और पूरी सोसाइटी में लाइट चली गई, तो कोई चोर आया चोरी कर गया, तब तो फिर हमारे पास सोलर पैनल का सिस्टम होना चाहिए जिससे कि इमरजेंसी के लिए हमारी लिफ्ट रुकनी नहीं चाहिए, इमरजेंसी के लिए हमारी लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी के लिए हमारा पानी बंद नहीं होना चाहिए, इसके लिए कितना वाट आपको सोलर पैनल की जरूरत होगी, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती है, ठीक है। इसके अलावा इसके सर्टिफिकेशन है, IGBC का सर्टिफिकेशन है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी आएगी, वो चेक करेगी कितना परसेंट आपका बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, 50%, 60%, 70%, 80%, उसके अकॉर्डिंग ग्रेड पॉइंट देता है, आपको सर्टिफिकेशन देगा, ठीक है, ये सब पढ़ाता है उसके अंदर। इसके बाद आपकी फैसिलिटी मैनेजमेंट होती है जो कि 70 के अंदर होती है, जिसमें आप क्या बोलते हैं BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपके बिल्डिंग के अंदर 6 बजे पूरी लाइट जल गई, ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का है, इसका भी इंटीग्रेटेड वर्जन आ गया है, क्या बोलते हैं IBMS इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसमें सोलर क्या बोलते हैं आपकी लिफ्ट खराब होने वाली है, सर्विस की जरूरत है, अलार्म आ जाएगा कि भैया लिफ्ट अपना रिपेयर करवा लो, ठीक है, क्या हो गया ये हो गया। आपको 12 बजे गार्डन को पानी चाहिए, धूप में पूरे पूरे पौधे सूख जाएंगे, 12 बजे स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन होगा, ऑटोमेटिक सब जगह पर पानी चला जाएगा, और कितने समय बाद बंद हो जाएगा, एक स्कैडा करके सॉफ्टवेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उस पर कोडिंग की जाती है PLC स्कैडा पे, तो उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक सेंसर बंद कर देगा उसको, ठीक है। 7:30 बजे पानी आना है, अब पानी चलाने वाला बंदा सो गया है, पूरी सोसाइटी में हाहाकार मच गया, भैया कहाँ गया पानी वाला, कहाँ गया पानी वाला, यहाँ सब BMS हो गया चुका है अभी, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। 7:30 बजा सेंसर ऑन होगा, ऑटोमेटिक सबके घरों में पानी पहुंच जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा लिफ्ट है, कैमरा है, बहुत सी चीज़ें हैं, और फायर फाइटिंग के भी सिस्टम इसी के अंदर आते हैं। इसके बाद होता है सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी के लिए कैसे है, अभी जैसे कि मेरे सोसाइटी में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप आओगे आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ पर इनका एक पर्टिकुलर ऐप है जो कि BMS के अकॉर्डिंग वर्क करता है। क्या ऐप करेगा, ऐप मुझे आपकी फ़ोटो भेजेगा, नोटिफिकेशन बोलेगा यस करना है क्या, मैं जब तक यस नहीं करूँगा आपकी एंट्री नहीं होगी, अगर मैं यस नहीं किया तो एक कन्फर्मेशन के लिए मुझे कॉल करेंगे, कॉल करके मुझे क्या करेंगे बताएंगे कि आपके आपको एंट्री देना है क्या इस XYZ पर्सन को, मैं यस बोलूँगा तब एंट्री होगी। मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है ना ये चीज़, यस ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अब अभी तक क्या था कि गार्डन में 4 गार्ड बैठे हुए, चारों गार्ड सो रहे हैं, मुझे क्या पता रात को 12 बजे कौन सो रहा है कौन जग रहा है, बट कैमरा कैसे बंद करोगे, कैमरे लगा दिए चारों तरफ, और गार्ड को बोला तुम कहीं मत जाओ, एक जगह बैठो, ये LED है, चारों तरफ के कैमरे तुम देखते रहो आराम से, उसको भी आराम हो गया, वो देख रहा है जहाँ जरूरत है बस वहाँ पहुँच रहा है वो, ठीक है। ये सब सेफ्टी के अलग अलग फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि क्या बोलते हैं कहीं पर आग लगती है अचानक से, तो आपको तुरंत अलार्म बजने लगे कि इस एरिया में आग लग रहा है, इसमें भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अभी पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सेफ्टी यस। सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये 8D तक का कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये सर लोड 100, 200, 300, 350, 500 ये भी यही सिस्टम है क्या सब? नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये और लंबा है, ठीक है। तो मेरे वीडियो है इस पे, तुम अगर देखना चाहो तो डाल देना यूट्यूब पर, डिटेल वीडियो है इस पे, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये पूरा चलो, अलग टॉपिक है, ओके ठीक है, ओके चलिए। और चलो, ये जो मैंने बताया बहुत शॉर्ट में बताया, इसके अंदर बहुत कुछ है। ओके ओके, आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कॉल पे, हाँ अच्छा बताएंगे एक बार, अच्छा मैंने, कॉल फर्स्ट कॉल हुआ था ना कि अपना हाँ क्या होता है ना लास्ट, बताया कि मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि जो बात जाए ना पूरी जाए ना, अब पूरी यस बात यस, जानने के लिए संभव नहीं हो पाता है अभी, हाँ वो अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, हाँ तो इसीलिए अब इसके लिए पूरी क्लास है, हाँ क्लास है ना उसके लिए, सिक्स थोड़ी थोड़ी सिक्स क्वेरी क्लियर हो रही है ना बस वही। के 6G के लिए 3 क्लास होती है, अब वो अच्छा 3 क्लास पूरी अलग लंबी जाती है, BMS पूरा एक अलग क्लास है, ठीक है, तो ये सब चीजें अपनी कवर हो जाएगी ना यस क्लास यस में। यस यस, ठीक है। साहिल कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत ऐसे साहिल है इस प्रतिबंध, साहिल अपना गुड इवनिंग माइक खोल सर। दो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मुझे वही स्कैन टू बीम की फाइल चाहिए थी, मैंने हाँ अंकित सर से कहा मैंने था। पे कर दिया, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी ना साहिल, एक फाइल थी 5GB की और ड्राइव का लिमिट होता है ना, तो लिमिट हाँ फुल सर, हो गया, फुल हो गया था, हाँ मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं सर्च करा मिले ना, बोले कि अभी मिल गया है, ठीक है, एक लड़के के पास है, तो तो मैंने बोला कि सर यार मुझे भेज दो, कल मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। ओके सर, इतनी बड़ी फाइल चल जाएगी, क्योंकि 5 GB की फाइल तो बहुत बड़ी हो जाएगी फाइल हम लोग के सबसे सिस्टम के छोटा लिए। प्रोजेक्ट में 5GB का आया था। स्कैन टू बीम का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि
कि मैं क्लास में क्यों नहीं लेता 10-15 प्रोजेक्ट, ठीक है? अब वो जो बच्चे को पास लैपटॉप है उसमें तो ऐसे ऐसे होने लगता है वो, ठीक है? तो इसलिए उसको करना पड़ता है इस ये तरीके से। कंपनी सर कैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट को करती होंगी? जैसे उनके मेरे पास इधर एक सर्वर टेरा होता मॉडल्स है। है, हाँ हाँ बोलो बोलो। टेरा मॉडल्स सर वर्क करती है स्कैन टू बीम में, उनके पास क्या कोई ऐसा बड़े कंप्यूटर होते हैं? यस, सर्वर वाले कंप्यूटर होते हैं तगड़े वाले, ठीक है? और अच्छा वो सभी क्या होते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स के तरह होते हैं, ठीक है? उसमें जो आपके रैम्स होते हैं वो रैम 64 GB के आसपास रैम्स रहते हैं, 32 GB के ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं, ठीक है? और उसमें डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कभी कभी तो 4-4 फैन रहते हैं, गर्म हो जाएगा हम लोग के लैपटॉप में चला दोगे तो। और लैपटॉप में तो चलाते ही नहीं है, जनरली उसको पीसी पे करना पड़ता है। लैपटॉप में तो फिर सर चल ही नहीं पाएगा। हाँ, यही दिक्कत होता है। स्कैन टू बीम का अगर बड़ा प्रोजेक्ट ले लिए तो मतलब ये समझ जाओ साहिल की हालत खराब हो जाएगी, और मतलब वर्क ही नहीं करेगा, क्या करोगे? अभी एक ऐसे हाँ, नाच तो रहा नाच रहा है तो दिक्कत करता है बहुत। मैंने देखा था ना ऑनलाइन साइट्स पे, वो 4-4 5-5 GB के ट्रिम्बल्स के सब फाइल पड़े थे। हाँ 4 GB 5 GB का मतलब मिनिमम है, सर, ठीक है? मिनिमम है तो वो दिक्कत है। तुम्हें चाहिए तो मैं 5 GB का दे दूंगा तुमको एक, लेकिन उसके नीचे की फाइलें उसका क्या रीजन रहता है? देखो जो लेजर स्कैनर होता है उसकी फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हाँ तुमने अगर पढ़ा होगा क्लास में तो मैंने बताया हुआ है कि एक क्या बोलते हैं इंच के अंदर माइल्स में होते हैं, कि 10,000 माइल्स, सर, ठीक है? अब सोचो कि आपकी जो फोटो होती है, जो आप फोटो खींचते हो कैमरे से, इसमें हार्डली 300 FPS होता है फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है? हाँ सर, और सॉरी DPI डॉट पर इंच, तो 1 इंच में 300 डॉट होते हैं इसमें, उसमें 10,000 माइल्स होते हैं, ठीक है? अब सोचो कि आपकी फोटो कितने एमबी की आती है, अगर अच्छे कैमरे से खींचोगे 5 MB की तो फोटो हो जाती है ना, हाँ सर, और वो आपसे कम से कम 1,000 गुना ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक वो 1,000 में चला जाता है। तो सर हम उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? उसकी प्रैक्टिस के लिए बस एक ही है कि एक फाइल को लेके खूब उसमें दिमाग दौड़ाओ और उसी पर बार बार प्रैक्टिस करो, और कंपनी के अंदर जाओगे तो ऑलरेडी उनको पता रहता है, इसलिए कभी भी ना कंपनी में जाओगे टेस्ट में बहुत रेयरेस्ट केस होगा कि कोई स्कैन टू बीम पर टेस्ट देगा, ठीक है? हर कोई कैट पे देता है। ओके सर, उसके सिवा तो फिर मैं MEP प्रोजेक्ट्स पे ट्राई करूँ प्रैक्टिस की। नहीं, MEP पे कर लो बेटर रहेगा, ठीक है? MEP पे करना अच्छा रहेगा, आसान भी रहेगा और हैंग भी नहीं करेगा, ठीक है? हाँ लेकिन सर, उस पे भी कर लो, और ये फिक्स मान लो कि कंपनी में गए तो कैट पर ही देगा टेस्ट। हाँ सर, क्योंकि अब कुछ नया सीखने का मन हो रहा था, बहुत दिन से वही सेम काम करते, एकदम से परेशान हो गए थे सर। बोर हो जाता है। अभी क्या क्या कर रहे हो तुम? वही आउटसोर्सिंग का वर्क है। आउटसोर्सिंग का वर्क है ना? हाँ, थोड़े से प्रैक्टिस अगर, और देखो कैसे होता है ना, अलग अलग डिसिप्लिन में काम करते रहोगे ना तो मजा आता है। जैसे मैं भी ना बीम पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी थक जाता हूँ, तब मैं स्ट्रक्चर की बैच लॉन्च करता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ नया भी होना चाहिए ना, ठीक है? हाँ और सर, क्या बोलते हैं, और स्ट्रक्चर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट स्ट्रक्चर की ज़्यादा बैच क्यों नहीं लॉन्च करता हूँ? क्योंकि स्ट्रक्चर में जॉब ओपनिंग्स कम है, ठीक है? हाँ तो मैं सर, अपने मेरा इंटरेस्ट है स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा है, सबको पता है, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर ही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब जॉब ओपनिंग नहीं है तो समझदारी नहीं है ना, फिर बाहर निकलो जॉब ही नहीं लग रही, और बीम में एटलीस्ट जॉब तो निकल रही है, ठीक है? अभी बीम में तो ऐसा हो गया है कि अगर आप लोग ग्रुप में होंगे तो देख रहे होंगे, एवरी डे किसी न किसी का हो ही जा रहा है, हाँ सर, उसमें ठीक देखता है? हूँ डेली, हाँ, बहुत देखा हो रहा है सर। धनेश्वर तुम्हारे ही बैच में था क्या? धनेश्वर नहीं सर, वो हम या लोग में नहीं थे। हाँ तुम्हारे साथ सीनियर था, अभी देखो उसका 7 लाख का पैकेज लग गया, मुझे कितना अच्छा सर, लगा, क्योंकि बेचारा मतलब वो साइट पर जॉब कर रहा था, सुबह जाता रात को पता नहीं कब आता, और उसके बीच में भी वो प्रैक्टिस करता, और प्रैक्टिस कर हाँ कर के मतलब 7 लाख का पैकेज अगर पा गया है, पहले नहीं पाया, पहले वो 3-3.5 का पाया चेन्नई में, फिर गए उसके बाद हाँ ने उस प्रमोशन खुद का किया, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उसमें से धनेश्वर था, ठीक है? और एक लड़की है वो इसमें वी कंस्ट्रक्ट में है साहिल, उसका 16 लाख का पैकेज है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि गुरुकुल का हाईएस्ट होगा उसका, उसका सर, पैकेज, अभी उसका पैकेज बारह लिथियम लाख था लिथियम में भी तो हुआ था सर, आई थिंक 16 16 का ही हाँ था। लिथियम में होता, लेकिन वो वीडियो कोर्स का स्टूडेंट था, ओके ठीक है? वीडियो कोर्स का था और वो उसका 16 का हुआ, बट इसका जो था ना, इस गुरुकुल की थी, और उसका मतलब बहुत अच्छा रेज था और बड़ा तगड़ा पैकेज उसने गेन किया हुआ था, ठीक है? और भी सर, बहुत लोग होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना जो मेहनती होते हैं, तो उसमें से होते हैं, तो इसलिए याद है। बोलो। हाँ सर, तो फिर मुझे MEP की कोई भी अगर आपके पास PDF बहुत फोटो ढेर भेज सारे दीजिए। MEP के मेरे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, ले लो उसको प्रैक्टिस करो। हाँ सर, वो भेज दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस कर चलो लूँगा मुझे एक उसको। बार सुबह ना टेक्स्ट मैसेज पर एक बार रिमाइंडर दे देना, मैं ओके एक्जैक्टली सर, सारे फाइलें तुम्हें मेल कर दूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी फाइलें उसकी भी हैं, मतलब MEP की भी मेरे पास जो फाइलें हैं ना
वो जीबी में है, एमबी में नहीं है, तो ओके सर, भेजूंगा तो ठीक उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, उम्मीद करता हूँ गाइस सबके क्वेश्चंस का हेलो आंसर सर, मिल गया होगा। थैंक यू, आप लोगों ने वेट किया इसका इसके लिए। हाँ जी अशरफ, हेलो बोलिए 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 अशरफ। सर, ये पूछ रहा हूँ कि आपको मैंने बहुत पहले एटकिंस का भेजा था कि सर एटकिंस कंपनी आई है मेरे, मतलब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आई है, तो अच्छा उसके बारे में रिगार्डिंग बता दीजिए। जैसे मैं अगस्त या सितंबर में उसका इंटरव्यू होगा, हाँ उसके 4 राउंड है, तो हाँ इसलिए इस रिगार्डिंग। एक राउंड तो एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, यस सर, एक राउंड आपका कैट टेस्ट होगा, एक जी राउंड सर, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एक राउंड एचआर इंटरव्यू होगा, ये 4 राउंड जी सर, होंगे, जी ठीक सर, है? बाकी सिलेबस तो बहुत लंबा रहेगा क्योंकि एटकिंस बहुत तगड़ा इंटरव्यू लेता है, हाँ मतलब सर, ऐसे ही उसका पैकेज भी अच्छा है, मतलब फाइव पैकेज पॉइंट बहुत सेवन तगड़ा रुपये है, ठीक है? एटकिंस हमारी एक स्टूडेंट है, उसका 6 लाख का पैकेज है मुंबई में, तो एटकिंस बहुत तगड़ी चीज़ है, ठीक है? ये कुछ बीम की टॉप कंपनीज है, एटकिंस है, ई कॉम है, रैमबॉल है, कोवी इंडिया है, ठीक है? ये सब बहुत तगड़ी कंपनियां हैं। सर जुलाई का भी के बाद भी कोई बैच है क्या दोस्त? अभी तो फिक्स नहीं है बट जरूर रहना चाहिए, अगस्त में नहीं होगा जहाँ तक सितंबर में होगा, क्योंकि अगस्त में मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब अलग अलग बैचेस ही चलती रहेंगी, शायद सितंबर में हो सकता है उसके बाद। शुभम कुछ पूछना चाह रहे हैं? शुभम बोलिए। तो सर कोई बता दीजिए, मतलब कुछ तैयारी के लिए। आप मेरे से पीडीएफ ले लो अशरफ, ठीक है? मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, क्योंकि लंबा तैयारी करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? मैं अच्छा पीडीएफ दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए उसको, जी सर, मैसेज ठीक है? कर चलेगा। हाँ जी जी शुभम बोलिए। शुभम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? शुभम देशमुख। विवेक जी बोल रहे हैं रोड मैप किसके लिए भाई? रोड मैप विवेक जी भाई, रोड मैप फॉर रीच द 16। 16 क्यों रीच करना है, 40 रीच करो ना, ठीक है? आप आ जाओ हमारे गुरुकुल में, गुरुकुल आपको 6 7 8 तक तो पहुंचाई देगा, ठीक है? उसके बाद आपको एक रास्ता मिल जाएगा और फिर उस रास्ते पर आप बस चलते जाना, अपग्रेड करते जाना, रुकना मत, पहुंच जाओगे, ठीक है? गुरुकुल सर, ऑलराउंड। हाँ जी गुजन बोलिए। मैं आप प्रैक्टिस करवाते रहेंगे क्या? प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भेजेंगे? मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट्स दूंगा ना उधर आपको, प्रैक्टिस के लिए मैं खुद के प्रोजेक्ट्स आपको दूंगा, उन पे उनको आपको वर्क करना रहेगा, ठीक है सर। चलेगा? शुभम कुछ पूछना चाह रहे हैं पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मुझे भी जाना पड़ेगा, ठीक है? और क्या बोलते हैं सर, प्रैक्टिस के मिल जाएगा, प्रैक्टिस के बहुत से प्रोजेक्ट मेरे पास, प्रोजेक्ट तो हजारों में है, ठीक है? तो आपको जितने प्रोजेक्ट चाहिए होगा आप ले सकते हो, ठीक है? चलिए सबको गुड नाइट, अगर किसी कोई प्रश्न रहे तो सुबह में आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, शायद शाम को ना दे पाओ कुछ भी फाइल अगर आप पाओगे तो, क्योंकि अभी मुझे भी डिनर करना है, आप सब समझते हैं, और उसके बाद फिर कल आपको जो भी चाहिए होगा हम शेयर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है? चलेगा।